अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम सलाम सर, आपको आवाज़ आ रही है क्लियरली? हाँ जी, आवाज़ आ रही है मोहसिन भाई। चले आप बिगिन करते हैं ऐसे फंडामेंटल्स विद मोहसिन जावेद। इससे पहले कि हम ऑन पे जो ऑफ पेज पे काम करें, मैं जो पिछले लेक्चर में कुछ मार्केटिंग फंडामेंटल्स में हमने बात की थी, उन्हें जल्दी से रिपीट करना चाहता हूँ ताकि वो चीज़ें एक बार क्लियर हो जाए। ठीक है, मार्केटिंग जो है वो प्रोडक्ट बेचने के बारे में नहीं बल्कि सेल करने के बारे में होती है, राइट? तो अगर आप अपनी ऑडियंस को नहीं जानेंगे तो आप मार्केट में वो प्रोडक्ट कामयाबी से सेल नहीं कर सकते हैं। आपने एक मैसेज क्रिएट किया है, एक टेम्पलेट क्रिएट किया है, उसे आपने जब फीडबैक आपको वापस नहीं मिलेगा कि आप अगले को मैसेज समझ आया है कि नहीं आया है, तब तक आप वो प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। अगर आपकी सोच डेवलप नहीं है तो फ्लॉप हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर 5 से 50 साल पहले दराज चीज़ें पे बेचने की कोशिश करते जब नया नया इंटरनेट रहा तो वो फ्लॉप हो गया था। और कई इस तरह की इंडस्ट्री फ्लॉप इस वजह से हो गई क्योंकि ऑडियंस जो थी वो उतनी डेवलप नहीं थी और वो प्रोडक्ट बेच रहे थे। तो इसलिए आपको अपनी ऑडियंस का भी पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस का लेवल क्या है, वो क्या चीज़ खरीद सकती है, क्या चीज़ खरीदना चाहेगी, वो उसी लेवल पर आप जाकर उसे वो चीज़ बेचेंगे। उसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन जो है उसके अंदर नॉइज आएगी, आपको उस नॉइज को कैंसिल करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आप एक चीज़ बेचना चाहते हैं, वो चीज़ें खरीदना चाहते हैं, बीच में कई तरह की दूसरी नॉइज आएंगी जो आपकी नॉइज को कैंसिल आउट करेंगी। आपने कोशिश करना है कि वो नॉइज कैंसिल हो जाएं। नॉइज की जरा बताएगा क्या होती है? जी मैं बताता हूँ, बता रहे हैं। जी जी, मिसाल के तौर पर मैं बेचना चाहता हूँ शूज़, ठीक है, ये मेरी एक नॉइज अब वॉइस हो गई है। अब मेरे अलावा 8 लोग हो भी वही शूज़ बेच रहे हैं तो वो दूसरी नॉइज हो गई हैं। अब मैंने ऐसी क्या बात बोली है ताकि दूसरी आवाजें जो हम बैठ जाए मेरी आवाज प्रोमिनेंट होके आए, ये हो गया। मतलब कि वही कीवर्ड्स ही हो गए कि ऐसे कीवर्ड्स रखने हैं जिससे जो है वो अटेंशन बने। जी ऐसे ही है, कन्वर्जन लानी है, क्लिक थ्रू रेट लाना है, अच्छी इमेजेस यूज करनी है एंड ऑल दैट, ताकि आपके कन्वर्जन बने, आपकी बातें क्लियरली आगे तक पहुंच सके और आपको क्या कहते हैं एट द एंड ऑफ द डे सेल हो सके आपकी। ये तो हो गया बेसिक मार्केटिंग का। अब आगे थोड़ा सा और बात पूछते हैं, जितनी मार्केटिंग कैंपेन्स है ना, चाहे वो पॉलिटिक्स की है चाहे वो किसी प्रोडक्ट की है, उस सब में प्रोपेगेंडा होता है। प्रोपेगेंडा की कोई 50 से 3 मिसालें हैं, जिसमें अपने आप को बेहतर बताना, दूसरों को डिफेम करना और कई छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें डिटेल आ जाती है, ये सारे प्रोपेगेंडा में आता है और ये सब आपने सीखना होगा। 50 की 50 चीज़ें आपने सीखनी होंगी, उसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हिटलर के जमाने में मोशन भाई, ये सीखने का क्या सीखना आप कह रहे हैं? प्रोपेगेंडा कैसे करना है, ये कैसे बताना है कि आपका प्रोडक्ट बेहतर है, ये कैसे बताना है कि दूसरों का प्रोडक्ट कितना खराब है। आपने ये भी देखना है कि आप उनका नाम ना लें, उनकी ब्रांडिंग ना खराब करें, मगर फिर भी उन्हें बताएंगे दूसरे ब्रांड जो है वो फायदे। जैसा हाईपिक एक कंपनी है, वो जब भी अपनी एड चलाती है तो उसके अंदर पहले ही दिखाती है ये फलां प्रोडक्ट है, ये गंदी क्वालिटी का है, मगर वो उन्हें ब्लर कर देते हैं ताकि उनकी ब्रांडिंग ना खराब हो। ये भी प्रोपेगेंडा की किस्म है, ठीक है। प्रोपेगेंडा से मुराद ये है कि अपने आप को दूसरे तमाम प्रोडक्ट से बेहतर करके दिखाना कि भाई बस मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई और प्रोडक्ट है ही नहीं दुनिया में, और दूसरे को दिखाना कि इनका प्रोडक्ट हमारे लेवल से बहुत नीचे गिर गया। आईफोन की भी यही क्वालिटी है, गूगल की भी यही क्वालिटी है। वो क्या कहते हैं, अपना प्रोडक्ट इस तरह सेल करते हैं कि आपको लगे भैया ये अंत है, इसके आगे कोई प्रोडक्ट आना ही नहीं है, ये बस फिनिशिंग है, और दूसरे जितने भी प्रोडक्ट हैं अगर मैं ये प्रोडक्ट नहीं लूँगा तो बस मैं क्या। तो ये ब्रांडिंग सही इसी पर डिपेंड करती है आप कितना अच्छा प्रोपेगेंडा कर सकते हैं। उसके लिए मैं ये प्रोपेगेंडा टेक्निक है, विकिपीडिया पर सर्च करेंगे ना तो आपको 50 के टेक्निक्स मिल जाएंगी। ये सारी टेक्निक्स आज के अगले ज़माने में उतनी रेलिवेंट है जितनी आज से 500 साल पहले रेलिवेंट थी, क्योंकि एज अ बेसिक ह्यूमन नेचर सेम ही रहता है। आप क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं और क्यों सोचते हैं, सारी चीज़ें सेम ही हैं। तो बस आपने उसे डिजिटाइज करना है कि आप उस प्रोपेगेंडा टेक्निक्स को आजकल के ज़माने में कैसे यूज करते हैं। आगे चलते हैं कुछ टेक्निक्स की तरफ। टॉप ऑफ माइंड अवेयरनेस, इस बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। ये मार्केटिंग की एक टर्म है जिसका मतलब है कि जब भी आप किसी चीज़ के बारे में सोचें तो आपको वही ब्रांड दिमाग में आए, ये आपकी टॉप ऑफ द माइंड वो ब्रांड आपका बैठ जाए। जैसा कि जब आप कुछ चीज़ सर्च करने की बात सोचते हैं तो गूगल आपके दिमाग में आता है, अगर आप मोबाइल की बात सोचते हैं तो आपके दिमाग में आईफोन आता है कि भैया ये सबसे अच्छा मोबाइल है। तो अपने आप को इस ब्रांडिंग के लेवल पे ले आना कि बस उससे आपसे अच्छा कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, ये होता है टॉप ऑफ माइंड अवेयरनेस क्रिएट करना।
अब आप ड्रिंक्स की बात करते हैं तो पहली आवाज आती है कोका कोला ले दो, तो इस तरह करके ये टॉप ऑफ द माइंड उन्होंने क्रिएट कर लिया है। अभी टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस फोन ही क्रिएट होती है, इस पर आपको काम करना पड़ता है, कई इसकी साल भी लग जाती हैं, और अगर आप अच्छी कंपनियां चलाएं तो जल्दी भी क्रिएट हो जाती है। एट द एंड आप यही चाहते हैं कि आपकी ब्रांडिंग इतनी अच्छी हो जाए कि वो हमेशा लोग आपके कस्टमर के दिमाग के ऊपर बैठी हो, ये आपकी टॉप ऑफ द माइंड होगी। अब इसके लिए इम्पोर्टेंट बात यह कि आप SEO से अप टू डेट रहें। इसमें ये आप जिस दिन जी किससे कह रहे हैं स्टार्ट SEO जी, मैंने कि अपनी जो हमने लास्ट में पढ़ा था जी बिल्कुल, आप अप टू डेट रहे हैं, देखते रहेंगे क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, क्या नए एल्गोरिथम्स अपडेट आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, और ये चेंजेस हमें कैसे अफेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें मैटर करेंगे एट द एंड। इसके लिए कुछ अच्छी वेबसाइट्स हैं, neilpatel.com, moz.com और searchengineland.com, ये भी मैं आपको भेज दूंगा, इनके ऊपर आर्टिकल्स भरे हुए हैं, आप उन्हें रीड करते रह करें और अपडेट जो आर्टिकल्स आते रहते हैं उन्हें भी एक नज़र देखते रहते हैं। जितना आप टू डेट रहेंगे, जितना आप टू कर्व रहेंगे, उतना बेहतर रहेंगे आप। मार्केटिंग टनल कैसे काम होती है, यूजली होता यूँ है कि पहले आप अपने कस्टमर को वो प्रोडक्ट जो है एक्सपोज करते हो, उन्हें बताते हो भाई इस नाम का एक प्रोडक्ट मौजूद है, वो उस प्रोडक्ट को देखता है तो इसकी डिस्कवरी हो जाती है। डिस्कवरी के बाद वो उसे कंसिडर करने लग जाता है, क्या मैं ये लूँ या ना लूँ, जब वो उसे ले लेता है फिर उसे कन्वर्जन कहलाते हैं। फिर जब वो एक बार ले लेता है फिर उसकी एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाती है कि ये प्रोडक्ट कैसा था, अच्छा था, मैं दोबारा लेना चाहूँगा, रिटेंशन होगी। और जब उसे प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग जाता है तो दूसरे दोस्तों को बताते हैं यार मैंने उस कंपनी का ये चीज़ ली है, बहुत मजे की, आप भी ट्राई करो। तो ये आपका एम्बेसडर बन गया, आपका एडवोकेट बन गया, दूसरों पे आपकी राइज कर रहा है कि वो फलां बंदा है उससे जाए काम को, बहुत अच्छा काम करे। हाँ जी, तो ये एडवोकेसी है, ये मेन गोल आपका ये है कि आप अपने कस्टमर्स को एडवोकेट बना लो, अपना एम्बेसडर बना लो, वो खुद आपकी राइज करेंगे, दूसरे कस्टमर आपको ला के दें, ये बेहतरीन गोल हो गया। ठीक हो गया। अब एक कंज्यूमर जो है वो कैसे फैसला करते हैं, दो किस्म के कंज्यूमर होते हैं, एक होते हैं इंपल्सिव कंज्यूमर और एक होते हैं कंसिडरेट कंज्यूमर। इंपल्सिव कंज्यूमर होता है वो एक फोटो को देखता है, उसे अच्छी लगती है, उसी वक्त जाकर खरीद लेता है। इनिशियल उसने इंट्रोडक्शन लिया, उसे अच्छी लगी, उसने फोन जाकर खरीद लिया। दूसरा होता है वो पहले उस प्रोडक्ट को देखता है, फिर उसकी ऑनलाइन जगह पे देखता है कि उसके कैसे रिव्यूज आए हुए हैं, लोगों ने उसे कितनी रेटिंग दी हुई है, वेबसाइट कैसी है, फिर जाकर उसे खरीदता है। दोनों सूरतों में हमारा काम उसे मोमेंट ऑफ परचेज तक लेके आना है। अगर वो उसका सक्सेसफुल एक्सपीरियंस है फिर वो बाद में आपकी तरीफ करेगा, ऑनलाइन वैल्यूएशन में जाके आपके बारे में अच्छे रिव्यूज देगा, वो बताएगा कि भैया ये फिलहाल मैंने बंदे से काम किया, इसने बहुत अच्छा काम करके दिया, और मैं दोबारा आपको भी रिकमेंड करता हूँ, आप भी काम करवाएं। यहाँ तो कोई मसला तो नहीं है? नहीं नहीं ठीक है सब कुछ। चलो अब आगे चलते हैं। अब इसके अंदर सेल फनल में यूं काम किया जाता है कि इसमें तीन फनल्स होती हैं, टॉप फनल, मिडिल फनल एंड बॉटम। क्या मतलब सेल्स, ये होता क्या है? सेल फनल होती है कि आपने अपनी सेल कैसे क्रिएट की है। अब मिसाल के तौर पे पहले आप लोगों को एक्सपोज करते हैं अपने प्रोडक्ट से, जैसा मैंने अभी ऊपर बताया था। हाँ जी। यहाँ पे तो ये सबसे बड़ा फनल हो गया, फिर बाद में वो छोटे हो जाएंगे, फिर वो कम हो जाएंगे, फिर वो कम हो जाएंगे, फिर आखिर में बहुत थोड़े रह जाएंगे। मगर हमारा एंड गोल ये होता है कि हमने कन्वर्ट करने, उन्हें फिर एडवोकेट बनाना है। अब उसके लिए सेल्स फनल से उन्हें गुजारना पड़ता है। यूजली जो कस्टमर होता है वो इन तीन मरहल से गुजर के आपकी चीज़ खरीदता है। पहले वो आपके प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहेगा, और उसके सवाल होंगे कि ये प्रोडक्ट क्या है, कैसे है, क्यों है। ये लोग तादाद में ज़्यादा होते हैं मगर कन्वर्ट बहुत कम होते हैं, टॉप ऑफ द फनल। इसके लिए आप लोगों को डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग करते हो, ब्लॉग करते हो, SEO करते हो, प्रेस रिलीज देते हो। दूसरे आ जाते हैं मिडिल ऑफ फनल, ये कंपेयर करते हैं कि मैंने नोकिया का ये फ़ोन लेना है, मैंने सैमसंग का ये फ़ोन लेना है, मैंने सैमसंग का ये फ़ोन लेना है, तीनों को मैं कंपेयर कर लेता हूँ कौन सा इनमें से बेहतर रहेगा मेरे लिए। ये कंपैरिजन वाले लोग आ गए आपके पास मिडिल ऑफ फनल में। इसके लिए आप री मार्केटिंग करते हो, मैंने री टारगेटेड एड लगाते हो, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हो, वाइट पेपर से पोस्ट करते हो, या ई मेल मार्केटिंग जो आप कह रहे थे मेल चिप वाली, ताकि उन्हें बार बार याद आता रहे कि भैया ये ब्रांड है, उसे मैंने कंपेयर करना है, उसे मैं खरीदना चाहता हूँ। अब लास्टली होते हैं बॉटम ऑफ फनल, जिन्हें उसकी ज़रूरत होती है, जो चाहते हैं कि अभी कभी खरीदें, ये तादाद में कम होते हैं मगर इनका कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा होता है। जब आपने गूगल ऐड लगानी है तो आपने इन कीवर्ड्स के ऊपर लगानी है, इस तरह कीवर्ड्स के ऊपर जिन पे कन्वर्जन आपको ज़्यादा मिले, चाहे उनकी तादाद कम हो ज़्यादा ना हो, मगर कन्वर्जन आपको ज़्यादा मिले, ये बॉटम ऑफ द फनल लोग होते हैं। ये पेड सर्च और पेड सोशल क्रिएट होते हैं अपॉर्चुनिटी, कन्वर्जन
आगे है एडा मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्स प्रमोशन के लिए, ई कॉमर्स स्टोर पे या फिर किसी भी किस्म के एडवर्टाइजमेंट करनी है तो उसके लिए मॉडल बहुत जरूरी है। इसके अंदर चार मेन सीन आते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करना अपने प्रोडक्ट के लिए कि वो प्रोडक्ट कहाँ पे है, कैसा है, क्यों है और उससे आपको क्या फायदा होगा। इंटरेस्ट क्रिएट करना दूसरे नंबर पे कि लोगों को इंटरेस्ट क्रिएट करके ये प्रोडक्ट ले लो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और आप लोगे तो आपका फायदा होगा। तीसरा इंटरेस्ट क्रिएट होगा फिर डिजायर क्रिएट करना कि भाई ये बेस्ट प्रोडक्ट है, इससे अच्छा प्रोडक्ट नहीं आना, जैसे अमेज़न अब डिजायर क्रिएट कर लिया है। अब आजकल के लोग जमाने में जब सेल्फी ले रहे होते हैं तो वो एप्पल का लोगो दिखाना बेहतर समझते हैं अपनी शिक्षा दिखाने के, क्योंकि डिजायर क्रिएट कर दिया उन्होंने एक आम पब्लिक के अंदर कि ये प्रोडक्ट लोगे तो आप डिजायरेबल हो जाओगे। लास्टली है एक्शन करवाना, उनसे कन्वर्जन लेना कि उन्हें कहना कि भाई ये बटन दबाओ और आप ये प्रोडक्ट खरीद लो, वही आपका एक्शन क्रिएट हो जाएगा। इससे आपकी सेल प्राइस या लिमिटेड सप्लाई और प्रोडक्ट या कोई सेल लगा दो या कोई और इस तरह काम कर दो जिससे आपको एक्शन क्रिएट हो जाए। अब ये करवाते कैसे हैं, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आप आर्टिकल्स पब्लिश करवाते हो, एडवर्टाइजमेंट लगाते हो, वेबिनार करते हो या पेड सर्च लैंडिंग पेजेस क्रिएट करवाते हो। इंटरेस्ट के लिए आप वेब कंटेंट क्रिएट करते हो, न्यूज लेटर क्रिएट करते हो, न्यूज लेटर फिर आप ईमेल मार्केटिंग के जरिए भेज सकते हो, सोशल मीडिया क्रिएट करते हो या ईमेल कैंपेन्स क्रिएट करते हो। डिजायर के लिए आप ई बुक्स, ब्रोशर या माइक्रोसाइट्स क्रिएट करते हो, और एक्शन के लिए आप केस स्टडी लगाते हो कि मैंने कि ये फलां बंदे ने प्रोडक्ट लिया था, आप उसका रिव्यू देख लें, टेस्टिमोनियल, डेटशीट, ई लर्निंग, इस तरह के छोटे छोटे और काम है जिनकी वजह से आप एक्शन क्रिएट करवाते हो। ये तो होगी मार्केटिंग। अब हमने जो एसईओ पढ़ी है ना उसमें एसईओ की तीन किस्में लिखी हुई है, वाइट एसईओ, ब्लैक एसईओ, ग्रे एसईओ। हालांकि ऐसे नहीं है, एसईओ सिर्फ दो किस्म के अब हो गए हैं, ब्लैक एसईओ और ग्रे एसईओ। वाइट एसईओ कहते हैं है मगर ये एग्जिस्ट नहीं करता मेरे मुताबिक, क्योंकि आप जो भी टेक्निक्स यूज करते हैं गूगल के मुताबिक वो आज अगर रेलिवेंट है तो कल वो इरेलीवेंट हो सकती है। इसलिए आपने अगर ऑनलाइन हो आप अप टू डेट नहीं है ना तो आप कभी भी वाइट एसईओ से ग्रे एसईओ, ग्रे एसईओ से ब्लैक एसईओ में गिर सकते हैं, इसलिए अप टू डेट रहना बहुत जरूरी है। ब्लैक एसईओ ऐसी टेक्निक्स है जी बिलाल भाई, होता क्या है वाइट एसईओ ब्लैक एसईओ? जी बताता हूँ, ब्लैक एसईओ से स्टार्ट करते हैं। ब्लैक एसईओ ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि गूगल ने मना कर दी हैं, अगर वो यूज करेंगे तो आपको पेनल्टी पड़ेगी, और वो पेनल्टी जो है वो एल्गोरिथम्स की वजह से पड़ेगी। कुछ हो तो हुआ यूं था 2012-2011 के अंदर ना, लोग गंदी लिंक्स हासिल कर रहे थे, उन्होंने अपनी मल्टीपल साइट्स बनाई, उन साइट से आगे एक और बंदे को लिंक किया, वहां से अपने आप को लिंक कर दिया, तो इसे लिंक फार्मिंग भी कहा जाता था। इससे ये मसला हो रहा था कि आपकी जो रैंकिंग थी वो बेहतर हो रही थी बगैर वजह के, और लिंक फार्म्स क्रिएट किए जा रहे थे। ये प्रैक्टिस गूगल को पसंद नहीं आई थी, क्योंकि गूगल का मेन काम ही सर्च है, अगर आप उसकी सर्च को तंग करोगे तो उसने आपको पेनल्टी मारनी है। अब आप कोई भी इस तरह काम करते हो जो अभी या आज 10 साल के बाद गूगल के लिए नुकसानदेह हो सकता है, तो गूगल आज नहीं तो कल एक एल्गोरिथम अपडेट लाएगा, और एल्गोरिथम अपडेट के बाद वो आपको पेनलाइज करेगा। अब तो गूगल का एआई इतना मजबूत हो गया है, वो खुद से एल्गोरिथम अपडेट क्रिएट कर रहा है, और वो किसी भी टाइम यानी कि कोई नई इस तरह की अपडेट क्रिएट करके अपलोड कर देंगे जिसकी वजह से आपको पेनल्टी पड़ जाएगी। इसलिए बेहतर ये है कि आप होलिस्टिक एसईओ करें, ऐसा एसईओ जिससे किसी का नुकसान ना हो, सबका फायदा हो, एक अच्छा कस्टमर यूजर एक्सपीरियंस बने। यूजली जब आप एक अच्छा कस्टमर यूजर एक्सपीरियंस देंगे तो अपने आप आपको बैकलिंक्स भी मिलेंगी, आपको अपने आप रैंकिंग भी मिलेगी, अपने आप सेल्स भी कन्वर्ट होंगी। इस वर्ड को कहते हैं होलिस्टिक एसईओ, आप दोनों लिख लें। मोशन में दोबारा बताइएगा, वर्ड है होलिस्टिक एसईओ, HOLLISTIC, होलिस्टिक स्पेस SEO। ठीक है जी, चलें आगे चलते हैं। फिर आगे आता है ग्रे SEO। ये ऐसा SEO जो कि ब्लैक और वाइट दोनों टेक्निक को मिला के यूज किया जाता है, और ज्यादातर जितने भी SEO प्रोफेशनल्स हैं वो इन्हीं को यूज करते हैं। मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप इन टेक्निक्स को देखने के बजाय आप पूरे कस्टमर एक्सपीरियंस को देखें, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको कन्वर्जन ज्यादा देगी और यहाँ पे आपके लिए आपके कस्टमर के लिए ज्यादा फायदेमंद होगी, आपको उससे जो कस्टमर मिलेगा वो आपके लिए रिटेनेबल होगा और एट द एंड ज्यादा प्रॉफिटेबल भी होगा। मगर हम ग्रे एसईओ टेक्निक्स को भी यूज करेंगे अपने इस कोर्स के अंदर। आगे चलते हैं। अब एक बाबा जी हैं जिन्हें फादर ऑफ एसईओ भी कहा जाता है, मैट कट्स नाम है उनका, उनकी एक वीडियो है, मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूँ। बेसिकली बाबा गूगल ये कहते हैं कि गूगल जो है ना वो आपकी वेबसाइट से 200 सवाल पूछता है,
और ये जो दूसरा सवाल है ना, ये आपके रैंकिंग फैक्टर्स हैं। ये रैंकिंग फैक्टर्स जो हैं आपको फिर रैंक करते हैं कि गूगल पे आप कौन सी जगह पे रहोगे, आपको कितने काम मिलेंगे, आपको कितनी अच्छी रैंकिंग मिलेगी एंड ऑल दैट। ये सवाल जो है उनमें से कुछ मेजर सवाल मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या सवाल हो सकते हैं। एक सवाल अगर पूछेंगे आपका टेक्स्ट कॉन्टेक्चुअल टेक्स्ट कितना है, कोड ज्यादा है या टेक्स्ट ज्यादा है, आपका कॉन्टेक्स्ट कंटेंट वाइज रैंकिंग फैक्टर क्या बनता है उस लिहाज से, आपने राइटिंग स्निपेट्स लगाए हुए हैं, अगर लगाए हुए हैं तो किस तरह के लगाए हुए हैं, अगर आपने माइक्रोफॉर्मेट लगाए हुए हैं HTML में तो कैसे पब्लिश किए हुए हैं, आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन कैसा है, वो रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। और मिसाल के तौर पर कुछ ऐसी वेबसाइट भी होती हैं जिन्हें आप डेस्कटॉप पे देखो तो ठीक चल रही होती हैं, मोबाइल पे देखो तो बिल्कुल ही ख़राब हो जाती हैं। तो इस तरह की वेबसाइट्स गूगल को बहुत बुरी लगती हैं। उसके अलावा कुछ वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा टाइम लगाती हैं लोड होने में, गूगल को वो वेबसाइट्स भी बहुत बुरी लगती हैं। तो आपकी पेज स्पीड हमेशा आपने कोशिश करी 3 सेकंड या उससे कम हो, उसके लिए आप लेजी लोडिंग यूज कर लें, एसिंक यूज कर लें, या इस तरह के दूसरे छोटे छोटे फंक्शन होते हैं जिन पर आप जब सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या यूज कर सकते हैं। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है ना। अब SEO जो है वो बेसिकली दो स्टेप्स में क्रिएट किया गया है, एक SEO जो ऑन पेज SEO है और एक SEO जो ऑफ पेज SEO है। ऑन पेज SEO है कि आप अपनी इमेज SEO करें, अपनी वेबसाइट की स्पीड बेहतर करें, उसके कोडिंग में फर्क लाएं, उसका कंटेंट अच्छा लिखें, उसकी कॉपी अच्छी लिखें, ये आपका हो गया ऑन पेज SEO। और उसमें जो वेबसाइट के अंदर इंटरनल लिंकिंग है वो भी ऑन पेज में आती है। फिर दूसरा SEO है ऑफ पेज SEO, ऐसा SEO जो अपनी वेबसाइट के लिए करते हैं बट आउट ऑफ योर वेबसाइट, ऐसी चीज़ें क्रिएट करते हैं जो आपकी वेबसाइट को बेहतर बनाती है। इमेज SEO की बात कर लेते हैं, ऑफ पेज SEO वो भी बाद में डिटेल में बात करेंगे। इमेज SEO में ये है कि आप अपनी इमेजेस को, तमाम इमेजेस को स्पेसिफिक कीवर्ड के साथ लिखें। अब मिसाल के तौर पर एक फ़ोटो है शूज़ की, तो आप उसका नाम ये लिखेंगे footballstuds.jpg, ठीक है, ना ही कि ये लिखेंगे 123.jpg या xyz.jpg। जो उस फोटो के अंदर दिख रहे हैं आप उसका ऑल्टरनेट टैग लगाएं या ऐसा कीवर्ड यूज़ करें जिसके ऊपर आपको कन्वर्जन मिलेगी। इससे ये होगा एक तो कीवर्ड भी आपको वेबसाइट में ऐड हो जाएगा, दूसरा आपके इमेज ऐसी भी हो जाएगी, अगर आपकी इमेज रैंक करती है तो आपकी वेबसाइट को भी ओवरऑल फायदा हो जाएगा। उसके अलावा आप ओल्ड टैग्स यूज करेंगे तमाम इमेजेस के लिए। ओल्ड टैग्स जो है उनके दो फायदे होते हैं, एक तो आपके SEO में फायदा आता है और दूसरा ऐसे लोग जो कि देख नहीं सकते हैं उनके लिए गूगल रीडेबिलिटी होती है, मैंने कि वो गूगल से रीड करके बता देता है इस इमेज में क्या हो रहा है, इस इमेज में क्या हो रहा है। तो ऑल्टरनेट टैग्स जो है इसलिए गूगल को पसंद है, आप इसलिए इमेज के अंदर बताएं कि इस इमेज के अंदर दो लोग हाथ में ला रहे हैं, इस इमेज के अंदर ये हो रहा है, तो इससे ये होगा कि गूगल को भी फायदा हो जाएगा और जो लोग जिन्हें दिखाई सही नहीं देता वो जब उसे वेबसाइट पे होंगे तो उन्हें भी फायदा हो जाएगा, उससे आपको कन्वर्जन मिल जाएगी। कोशिश करें इनका 25 वर्ड से ज़्यादा ना हो और सेंटेंसेस प्रेफर्ड है बनस्पत एक सिंपल वर्ड के, तमाम इमेजेस को ऑप्टिमाइज करके लगाए जाएँ, क्योंकि इमेजेस जब आप एज डिफॉल्ट लगाते हैं तो उनका साइज 2 MB, 4 MB, 6 MB तक होता है। अगर इतनी बड़ी बड़ी इमेजेस होंगी तो आपकी वेबसाइट की स्पीड कम हो जाएगी, इसलिए ऑनलाइन टूल्स हैं जिस तरह kraken.io या tinypng, उन पर जाके अपनी इमेज अपलोड करें, उन्हें ऑप्टिमाइज करें, छोटा साइज करके अपलोड करें ताकि दिखने में उतनी प्यारी लगे मगर उनका साइज इतना कम हो जाए कि लोडिंग में जल्दी हो जाए। इसलिए एक और बात मैं इंटरेस्टिंग था, अक्सर होता यूँ है कि पिक्चर आपने लगानी है छोटी सी जितना आपकी पासबुक फोटो होती है और हम अपलोड कर देते हैं वो बड़ी सी वॉलपेपर वाली फोटो जिसका रेजोल्यूशन होता है 1920x1080। इसलिए जहाँ पे जितनी इमेज की जरूरत है उतनी इस तरह की इमेज लगाएं, अगर आपको पासपोर्ट साइज इमेज की जरूरत है तो पासपोर्ट साइज इमेज अपलोड करें, आपको टेम्पलेट साइज इमेज की जरूरत है फिर उस तरह की इमेज अपलोड करें। ये तो हो गया इमेज SEO। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछ लिया हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। नहीं नहीं ठीक है, चलें अब हम SEO ऑन पेज ऑफ पेज के बारे में बात करने वाले हैं। मैं साथ में एग्जांपल्स भी आपको दिखाई जाऊंगा और आगे बताई जाऊंगा। जैसा कि मैं ऑफ SEO के बारे में बात कर रहा था, SEO दो किस्म का होता है, दो स्टेप में बांटा हुआ है, एक ऑफ पेज SEO एक ऑन पेज SEO। ऑफ पेज SEO वो तमाम SEO हैं जो अपनी वेबसाइट से बाहर करते हैं अपनी SERP बेहतर करने के लिए। SERP से मतलब है सर्च इंजन रैंकिंग पोजीशन, ये सर्च इंजन आपको क्या रैंकिंग पोजीशन देता है उससे बेहतर करने के लिए अपनी वेबसाइट से बाहर आप जो भी काम करते हैं वो सारा ऑफ पेज में आता है। इसे आम अल्फाज में कहा जाए तो ये भी है कि दूसरी वेबसाइट प्रोडक्ट या सर्विसेज आपकी वेबसाइट के बारे में क्या सोचती हैं। मिसाल के तौर पे एक मेरी वेबसाइट है, एक बिलाल भाई की वेबसाइट है। अब बिलाल भाई की वेबसाइट पे मेरी वेबसाइट के बारे में कैसे ख्याल आते हैं, वो मुझे लिंक देती है, मेरे बारे में अच्छा सोचती है, मुझे कैसे रिव्यूज देती है, ये सारा कुछ ऑफ पेज SEO में आ जाएगा। इसके लिए अगर कुछ लिंक्स भी मिल जाएँ
वो भी बहुत बेहतर है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं नहीं ठीक है। चलें अब आगे आप लोगों ने काम करना है कि मोजबा इंस्टॉल करनी है। मेरे पास डेट हो गया। मोजबा एक एक्सटेंशन है जिसकी अभी हमें आगे बहुत जरूरत होगी। गूगल पे क्रोमे पे जाएं, वहाँ पे लिखें मोजबा क्रोमे, आपको पहले नंबर पे जो स्लाइड आएगी उसे आप क्लिक करें, मोजबा क्रोमे गूगल की एक्सटेंशन ओपन हो जाएगी, वहाँ से उसे इंस्टॉल कर लें। मेरे पास सर सॉरी दोबारा बताइए सर। जी जी आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी जी आपने क्रोमे पे जाना है, वहाँ पे लिखना है मोजबा क्रोमे, ठीक है? ये लिख के सर्च करेंगे, जो पहली टैब आएगी उस पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है? इसे क्लिक करके आपने इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लिया मोजबा को, और इंस्टॉल करने के बाद इस पर अकाउंट बनाना है। यहाँ तक कोई मसला तो पूछ लें। अच्छा मोशन भी ये किस लिए होती है मोजबा जो है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल अभी बताऊंगा मैं आपको। मैंने कहा पहले आपको बता दूंगा, इंस्टॉल कर लें, इंस्टॉल करने के बाद इसमें साइन इन करें और साइन इन कर लें। साइन इन करने के बाद आपको फिर यहाँ पे ना टूल्स की मदद से हेल्प मिलेगी। कैसे मिलेगी मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे आपको पेज अथॉरिटी दिखाई दे रही है 58.4 सॉरी ये वाली चीज की मैं बात करूँ, डी ए 89, स्पैम 3%। मौसम में ये दोबारा बताइएगा, नहीं समझ चला क्या कह रहे हैं। जी मैं बता देता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मोज की आप टूल इंस्टॉल करेंगे, टूल इंस्टॉल करने के बाद आपको इसकी मदद से पेज अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी, आपका स्पैम स्पैम स्कोर और ओवरऑल आपकी वेबसाइट पे कहाँ कहाँ से लिंक्स आ रही हैं उनकी मदद मिलेगी। एक फ्री टूल है ये, एक इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद अब मैं बताता हूँ हमारा आगे इससे क्या काम लेना है। जैसे कि मैं बता रहा था कि तमाम वेबसाइट्स जो है ना उनके ऊपर आपकी वेबसाइट्स के बारे में क्या ख्याल है वो मैटर करता है। अब मिसाल के तौर पे ये एक मैंने बैकलिंक हासिल की थी ड्यूरिंग माई लास्ट टेन्योर, ये मेरी फेवरेट बैकलिंक है। अब इस बैकलिंक के ऊपर ये उन्होंने मेरे सैडल बैग के ऊपर कीवर्ड के ऊपर बैकलिंक दी हुई है। अब इस बैकलिंक के ऊपर जो उन्होंने सैडल बैग के ऊपर मेरी बैकलिंक दी हुई है, ये बैकलिंक को अगर हम इंस्पेक्ट करते हैं तो कोड के मुताबिक शो होता है ये एक डायरेक्ट बैकलिंक है। आपको आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। चलें ग्रेट हो गया। बिलाल भाई की तरफ से कॉल में हमें कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गई है। सर वो आ रही आवाज मेरी उधर? जी जी आवाज क्लियर आ रही है आपकी। वो मैंने असल में कंप्यूटर पे आया हूँ, वो स्क्रीन बहुत मोबाइल पे छोटी नजर आ रही थी। चलें अच्छी बात है, आगे चलते हैं। मोशन भाई जी जी ये जो आपने कहा मोज बार, इसमें तो वो आ रहा है मतलब क्या कहते हैं इसको, पेड वर्जन है इसका कोई? आपने पेड वर्जन नहीं करना भाई, हम पाकिस्तानी हैं, हमने पेड पैसे कहीं नहीं लगाने हैं, मुफ्त वाला काम करना है। आपने मोज बार इंस्टॉल कर लिया, आप उसे इंस्टॉल करने के बाद उसपे अकाउंट बनाए फ्री वाला। वो अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप भी बता दूंगा। अकाउंट बनाने के बाद साइन इन करेंगे, उसके बाद फिर आपको पी ए और डी ए दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है चलें इसकी तरफ आती हैं। अब आगे बैकलिंक्स की बात कर रहे हैं। बैकलिंक्स जो हैं वो बेसिकली दो किस्म की होती हैं, होती तो और भी किस्में हैं, मगर हमारा मेन कंसर्न दो बैकलिंक्स के साथ होगा आज के लेक्चर में। एक डू फॉलो बैकलिंक्स और एक नो फॉलो बैकलिंक्स। डू फॉलो ऐसी आउटबाउंड बैकलिंक्स होती हैं जो आपको कम्प्लीट जूस प्रोवाइड करती हैं, और नो फॉलो ऐसी बैकलिंक्स होती हैं जो आपको कोई जूस प्रोवाइड नहीं करती हैं। दिस वॉज ट्रू अंटिल 2019। अभी 2020 के अंदर उन्होंने एक नई अपडेट दी है जिसके मुताबिक नो फॉलो भी अगर टैग लगा हो ना फिर भी आपको थोड़ा सा जूस मिल जाता है, अबाउट 1-5%। तो इसलिए अगर वो लिंक भी आ रही है तो आने के से रोके ना, जितने आपका नेचुरल बैकलिंक की प्रोसेस होगा उतना आपके लिए बेहतर है। इसलिए अगर आप दो डू फॉलो बैकलिंक ले लें तो एक नो फॉलो बैकलिंक भी ले लें तो नेचुरल लगेगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब ये बैकलिंक के कोड के ऊपर आते हैं। ये कोड आप अगर वो से देखें यहाँ पे, अगर बैकलिंक के कोड देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने कोई साथ में टैग नहीं लिखा हुआ नो फॉलो या डू फॉलो का। एज डिफॉल्ट जब किसी वेबसाइट के ऊपर कोई भी टैग ना लगा हो नो फॉलो का तो वो डू फॉलो बैकलिंक कहलाती है।
ऐसी बैकलिंक आपको सारा जूस देती है। कंसिडर करें एक 68DA की वेबसाइट से जब आपको जूस मिलेगा तो फिर से अपने आप अच्छी रैंक देगी, ऐसे ही है। ठीक है चलें, अब देखो बैकलिंक को देखते हैं जो कि इन्होंने दी है पीआर न्यूज वाले वालों ने। इन्होंने जो लिंक दी है वो लिंक दी है लिंक ऑन ओपन वेबसाइट, हमारी लिंक दे दी है। यहाँ पे इन्होंने हमें लिंक दी थी सैडल बैग के ऊपर एम्बेडेड लिंक, ये ओपन लिंक है। आपके ख्याल में दोनों में से ज्यादा बेहतर कौन सी रहेगी आपके लिए, ओपन या हिडन एम्बेडेड? ओपन लिंक बेटर है मुझे लगता है। बिलाल भाई आप बताएं। मुझे ये समझ नहीं आ रही चीजें कहाँ से समझ आनी बंद हो गया, बताएं मैं आपको वहां से दोबारा समझाऊंगा। ये इंस्टॉल हो गया मेरा वो जो आपने एक्सटेंशन बोली थी मोस्ट बार, उससे ये उससे ही कोड निकालते हैं ना, ये जो एलिमेंट्स वाला कोड निकला हुआ है। जी जी नहीं नहीं ये एलिमेंट वाला कोड तो वैसे भी दिख जाएगा आपको, मोस्ट बार का असल काम ये वाला है, मैं आपको बता देता हूँ ये वाला, ये चीज हम मोस्ट बार की मदद से रहेंगे। पीए क्या है उसका जो आ रही है, हाँ जी डीए क्या है उसका, उसका स्पैम क्या है, असल मकसद ये लेना है। ठीक है ठीक है, अब समझ में आ गई भाई यहाँ तक? जी चले उसके बाद हो आगे। मैंने क्या नाम है फैजान भाई क्या बताया था आप एक्सप्लेन करेंगे? अभी आप यही बता रहे थे बैग और उसके बाद जो हिडन वाला था किसमें क्या डिफरेंस क्या था। ठीक है थैंक यू। अच्छा बिलाल भाई अभी मैं आपको एक थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। मैं आगे बता रहा था कि बैकलिंक से किस्में होती हैं, मेजरली काफ़ी किस्में हैं अबाउट 6, मगर हम सिर्फ दो किस्मों पे बात करने वाली हैं आज, एक डू फॉलो बैकलिंक एक नो फॉलो बैकलिंक। जी मैं आपको इधर लिख के भी दिखा देता हूँ। अच्छा अब इस कोड को जरा गौर से देखते हैं। इस कोड के अंदर ये आप टैग देखें, उसने टैग में नो फॉलो भी लिखा हुआ है, नो ओपनर भी लिखा हुआ है, नो एफआई भी लिखा हुआ है। ठीक है ये टैग जो है उसे बताते हैं कि भैया ये वेबसाइट है, ये मैं इसे लिंक दे रहा हूँ मगर आपने इसे ना फॉलो करना है ना आपने इसे ओपन करना है ना आपने इसे रेफर करना है। इस तरह की बैकलिंक्स जो है फ्रॉम बिफोर 2019 बिल्कुल फायदेमंद नहीं होती थी। ये होता था कि आपको जी जी बोले सर लिंक तो यहाँ पे नहीं है, ये टारगेट इक्वल टू ये ब्लैंक की जगह पे लिंक नहीं आना चाहिए था, ये शो करने के लिए होता है, जब हमें शो नहीं करना होता तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी लिंक दे सकते हैं, वो ब्लैंक होगा तो जैसे ये इंस्टॉल दिस प्लगइन शो कर देगा। अच्छा ये वाली लिंक है जो जहाँ पे जा रही है जो हमारी टारगेट है। ठीक है अब यहाँ ठीक है ठीक हो गया ये, फिर यहाँ से आगे आपसे रिलेशन बताते हैं उसका रिलेशन क्या है आपके साथ। आपने रिलेशन बताया ना मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ ना मैं उसे ओपन कर रहा हूँ ना मैं उसे रेफर कर रहा हूँ, ये हो गया रिलेशन ये। मगर हमें इस तरह की वेबसाइट्स इतनी अच्छी नहीं लगती, इस तरह की लिंक्स हमारी फेवरेट लिंक होती है जिसके अंदर ये नो फॉलो का टैग ना लगा हो। वैसे अगर ये तीनों ही ना लगे तो बहुत ही बेहतर है, मगर अगर ये तीनों टैग अगर ना लगे तो सबसे बेहतर है इस तरह की लिंक, तो ये हमारी फेवरेट है। ठीक है और ये होगा क्योंकि ये आपकी होती है एज डिफॉल्ट इस तरह की लिंक शो होती है आपको। ठीक है अब इस लिंक के अंदर आप चेंजेस करते हैं तो उन्हें कह देते हैं भाईजान ये वेबसाइट की लिंक है मगर इसके अंदर ये काम आप कर रहे हो। अब इसके अंदर जब वो क्लिक करेगा इंस्टॉल दिस प्लगइन पे तो ये वर्डप्रेस की एम्बेड कोऑर्डिनेटर पे चला जाएगा वो, और ये डू फॉलो लिंक के ऊपर क्रिएट होगा। अगर एज डिफॉल्ट उसने कोई टैग नहीं देखा कोई रिलेशन दिया तो डू फॉलो लिंक ही कहलाती है, तो हम वो लिंक पसंद है। मगर जब वो रिलेशन दे देता है भाई ये नो फॉलो है तो आपको जूस वहीं पे गिर जाता है, वहाँ पे आपको जूस पूरा नहीं मिलता, आपको 50% जो जूस मिलना था उसका 0.1% जूस मिल रहा होता है। फायदेमंद तो वो भी है मगर इतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं, इसलिए कोशिश करेंगे आपको ऐसी लिंक्स मिले जो कि यहाँ तो आपको एज डिफॉल्ट मिल रही हो, जैसा कि ये है यहाँ पे ये देखें सैटल बैग्स के ऊपर मुझे लिंक मिली हुई है डू फॉलो की। यहाँ पे अगर गौर करें
तो इसके पे कोई रिलेशन नहीं है, मैं आपको एनोटेट कर दूं ये वाली लिंक को आप वो से देखें। अब यहाँ पे इसने कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ कि ये नो फॉलो नहीं है, ये ओपनर नहीं है, यहाँ पे इसने कोई भी रिलेशन दिया, ये ओपन लिंक मिली हुई है और ये सिर्फ मेरे सारा जूस मिला है। अब उसकी 68 की डोमेन है तो मैं 68 की डोमेन से 34 का जूस मिला होगा इजीली, अगर कोई और बैकलिंक नहीं जा रही यहाँ से। यहाँ तो कोई मसला है? नो सर। चलो ग्रेट हो गया, अब आगे चलते हैं। अब एक और बैकलिंक है, इसके अंदर उसने क्या किया था, उसने हमें सैडल बैग के ऊपर से बैकलिंक दी थी, राइट। ये एम्बेडेड बैकलिंक है। अब आपने अगर किसी कीवर्ड को रैंक करवाना है ना, अब मिसाल के तौर पर मैं फुटबॉल शूज बेच रहा हूँ तो मैं उससे कहूँगा भैया फुटबॉल शूज के ऊपर मुझे लिंक दो, तो वो क्या करेगा, फुटबॉल शूज का कीवर्ड यूज करेगा, उसके कीवर्ड के अंदर फिर बैकलिंक लगा देगा मेरी वेबसाइट की। तो जब भी कोई फुटबॉल शूज पे क्लिक करेगा तो मेरी वेबसाइट पे जाएगा, इससे फुटबॉल शूज के कीवर्ड की मुझे लिंक मिल जाएगी। फिर जब भी कोई गूगल पे लिखा जाएगा ना फुटबॉल शूज, तो गूगल देखेगा भाई इसे फुटबॉल शूज से लिंक मिल रही है, तो मैंने इसकी वेबसाइट फुटबॉल शूज के लिए अच्छी है, और अगर इसी वेबसाइट फुटबॉल शूज के लिए अच्छी है तो फिर इसका रैंक भी बेहतर होना चाहिए, फिर इसका मेरा रैंक बेहतर होगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी? ठीक है, ग्रेट हो गया। दूसरी बैकलिंक होती है ओपन बैकलिंक, इसके अंदर आपको खुलेआम वो बैकलिंक लिख देता है, ये सेकेंड ऑप्शन है। मैं इसे प्रीफर नहीं करता क्योंकि ये सेमी या फिर ज़्यादा ही एक्सपोज करती है आपको, इसकी नस्बत कीवर्ड के ऊपर से बैकलिंक मिल जाए ज़्यादा प्यारी लगती है मुझे। अगर वो नहीं मिलती फिर इससे काम चला लें, नुकसान इसका भी नहीं है, फ़ायदेमंद है ये भी, मैं ज़्यादा तादाद में ना ले सके। अब इस तरह की मोशन भाई, वो आप विकिपीडिया पे जो है वो अक्सर जो है वो आ रहा होता है, इस तरह के लिंक्स आ रहे होते हैं, अगर कोई वर्ड को हम सर्च करते हैं तो फर्दर जो है उसे जी बिल्कुल 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 वैसे वैसे वो इंटरनल लिंकिंग होती है, वो विकिपीडिया के आर्टिकल से विकिपीडिया के आर्टिकल भी आपको ले जाता है या फिर बाहर भी ले जाता होगा, एक्सटर्नल लिंकिंग भी होगी। ये जो है ये भी उसी की एक किस्म ही है। इसके अंदर आपको मैंने अभी दो किस्में दिखा दी, एक एम्बेडेड लिंक जो कि कीवर्ड के पीछे लिखी होती है, जैसे कि पिछले वाली एग्जांपल में सैडल बैग के पीछे लिखी हुई थी। दूसरी है ओपन लिंक, ये जो ओपनली इसने बताई है vikingbags.com। तीसरी वाली लिंक अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाली लिंक। अब उसने क्या किया, हमारे ब्रांड का नाम था, उसने हमारे ब्रांड का नाम लिया, उस ब्रांड के नाम के पीछे लिंक लगा दिया। फर्स्ट वाली और ये लास्ट वाली में क्या फर्क है, दोनों सेम तो लग रहे हैं। मैं बताता हूँ सर क्या, अब इसका कोड देखते हैं। तो ये वाली लिंक मिली हमें लास्ट वाली से, ठीक है। अब इसके अंदर उसने हमें रिलेशन दिया हुआ है नो ओपनर का, नो एफआई का, इसने नो फॉलो का रिलेशन नहीं दिया हुआ हमें, राइट जी। अब इसके ऊपर से भी आपको जूस मिल रहा होगा, जो जूस मिला होगा वो आपके लिए फायदेमंद भी होगा, मगर ये जो नो ओपनर नो एफआई है ये टैग्स जो है गूगल को बताते हैं कि ये, हालांकि मैं इसे जूस दे रहा हूँ और ये अच्छी वेबसाइट है, मगर मैं इसे रेफर नहीं कर रहा और यहाँ से लिंक डायरेक्ट ओपन वहाँ पे नहीं हो रही है, ये एम्बेडेडली ओपन हो रही है। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? नहीं, ठीक है, चलो ग्रेट हो गया, आगे चलते हैं। अभी हम ऑफ पेज एसईओ के ऊपर आगे बात करते हैं, ऑफ पेज एसईओ किन किन सूरतों में कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। पहले है उसका एग्जांपल सोशल मेंशन, जब आपको सोशल मेंशन किया जाता है तो गूगल को ये बात बड़ी प्यारी लगती है कि भैया इस ब्रांड को लोग सोशल पे जानते हैं, उसे मेंशन कर रहे हैं, और उसे जब मेंशन कर रहे हैं तो गूगल उस चीज़ को नोटिस करते हुए आपको आपकी वेबसाइट पे भी रैंक बेहतर करता है। अब मिसाल के तौर पर एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को गूगल से देखते हैं। अब इसमें मिस्टर रोनल्ड ज़िमरमैन नाइक स्पोर्ट पे हैशटैग लगा के कह रहे हैं कि भैया आपके साथ मैंने फलां काम किया था, सही नहीं हुआ, काइंडली मुझे दोबारा कर गए। नाइक स्पोर्ट मुझे आंसर कहती है कि भैया ये कर लो ठीक हो जाएगा। आगे रोनल्ड ज़िमरमैन कहते हैं हाँ जी मैंने किया, आपने बहुत जल्दी अप्लाई किया, बहुत अच्छी स्पोर्ट है आपकी। और फिर नाइक स्पोर्ट कहते हैं कोई मसला नहीं, हम आपके साथ हैं। अब गूगल के बोर्ड जब ये चीज़ देखेंगे, उसे कॉन्टेक्चुअली और कंटेंट के लिहाज से समझेंगे तो अपने आप वो आपको एक प्लस पॉइंट प्लस रैंकिंग फैक्टर दे देंगे। ये आपका सोशल मेंशन हो गया, इसलिए अक्सर आपने प्रमोशन में देखा होता है और कहते हैं कि हमें ऐड टैग करें
टैग करने के बाद अपने 10 दोस्तों को भी शेयर कर रहे हैं, होस्ट ना करके वो भी क्या क्या बातें होती हैं, तो ये उसमें से एक हिस्सा है। जब आप उन्हें टैग करते हैं, उन्हें सोशली तौर पे मेंशन करते हैं, तो उन्हें एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। यहाँ तक क्लियर है आप सबके लिए? हाँ जी, ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है इन्फ्लुएंसर आउटरीच। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है आजकल के ज़माने में। आज से 2008 के ज़माने में कोई इस लफ्ज़ को जानता भी नहीं था इन्फ्लुएंसर क्या चीज़ होती है, मगर 2008 में जब सोशल मीडिया आया तो उसने सारे का सारा निज़ाम ही चेंज कर दिया। फिर छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर क्रिएट होने लगे। 2008 से पहले इन्फ्लुएंसर सिर्फ फेमस या तो सेलिब्रिटीज होते थे या स्पोर्ट्स पर्सन होते थे। 2008 के बाद छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर भी आ गए नीश के अंदर। अब एक छोटा सा लड़का है 5 साल का जो कि गोल्फ क्रिएट करता है, गोल्फ प्ले करता है, उसके तकरीबन 2000-4000 फॉलोअर्स हैं। अगर आप गोल्फ की किट बेचते हैं, मिसाल के तौर पे गोल्फ के क्लब्स होते हैं या उसकी स्टिक्स होती हैं, आप बेचते हैं, तो आप इस लड़के को रब्ता करेंगे। आप इसे इसके देख रहे हैं 4000 फॉलोअर्स हैं, आप इससे रब्ता करेंगे, यार मैंने गोल्फ के ना स्टिक्स बेचता हूँ या गोल्फ की इक्विपमेंट बेचता हूँ, कि अगर आप मेरी प्रमोशन कर देंगे ना तो मैं आपको वो ऐसा गिफ्ट दे दूंगा, आप बस एक पोस्ट लगा दें। अब ये बच्चा जिसके 4 या 5 लाख फॉलोअर्स हैं, जब आपकी गोल्फ किट की मशहूरी करेगा तो आपको उससे 2 फायदे होंगे। एक तो उसकी जो ऑडियंस है वो अपने आप वहाँ से बाय अथॉरिटी आपके साथ भी मुंसलिक हो जाएगी। सेकेंडली आपकी प्रमोशन हो जाएगी। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। अब इससे आपको फीडबैक भी मिल जाएगा, कोट भी मिल जाएगा, रिव्यू भी मिल जाएगा, और आप अपने आप को हाईलाइट भी कर सकेंगे। इसलिए जब भी आप किसी भी नीश में जाएं, तो उस नीश के अंदर वहाँ के जो छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्हें हंट करना शुरू कर दें। देखेंगे उस नीश के अंदर कौन सी चीज़ अभी वायरल हो गई है अभी, और कौन सा बंदा है जो कि उस चीज़ को वायरल कर रहा है, उससे रब्ते में आ जाएं, उसे कहें भैया ये आपकी चीज़ मुझे बहुत पसंद आई है, क्या आप हमारे साथ काम करना चाहेंगे? और वो कहते हैं हाँ हम करना चाहेंगे। फिर आप उन्हें अपना प्रोडक्ट दें, सर्विस दें, कोई चीज़ देकर मनाएं, पैसे देने पर पैसे दें, और उन्हें फिर अपनी प्रमोशन करवाएं। मगर ये भी है कि आपने देखना कि आपके लिए वो कितना फ़ायदेमंद है, क्या आपके लिए कन्वर्जन ला के देगा, क्या आपको वो एट द एंड ऑफ द डे सेल ला के दे रहा है, नहीं ला के दे रहा, अगर नहीं ला के दे रहा फिर आप उसे बेहतर करें या किसी और के पास चले। ये होगी इन्फ्लुएंसर आउटरीच। आगे चलते हैं, ब्लॉग कमेंटिंग एंड पांडा एल्गोरिथम। 2011 के अंदर ना पांडा एल्गोरिथम अपडेट आई थी, गूगल ने निकाली थी। हुआ यूं था कि उसके अंदर लोग ब्लॉग्स के अंदर जाके ना अपने वेबसाइट को बस कमेंट करते थे, चाहे उनकी नीश से रेलिवेंट हो ना हो, बस स्पैमी मैसेज करे जा रहे थे, जो कि चीज़ गूगल को बहुत नापसंद थी। फिर उसने क्या किया कि उसने इसके ऊपर पेनल्टी लगा दी कि अगर आप गंदी बैकलिंक्स हासिल करते हैं या चीप बैकलिंक्स हासिल करते हैं तो आपको उसके ऊपर पेनलाइज किया जाएगा। मगर अभी ये मीनिंगफुल दोबारा बन चुकी है। अब अगर आप अपनी वेबसाइट की नीश के अंदर जाते हैं, ब्लॉग्स को हंट करते हैं जो कि आपकी नीश से रिलेटेड हैं, और वहाँ पर जाके ऐसा कमेंट करते हैं जो कि उसकी ऑडियंस के लिए भी फ़ायदेमंद हो, आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो, फिर वहाँ से आप अपने किसी आर्टिकल पर टैग करते हैं, तो फिर गूगल को ये चीज़ पसंद आती है, वो आपको फिर उसका फ़ायदा देता है। अब एक एग्जाम्पल लेता हूँ, और ये एक ब्लॉग है जे जे फिटनेस का। अब ये फिटनेस का एक ब्लॉग है, और इस फिटनेस के ब्लॉग के ऊपर मेरी भी एक फिटनेस की वेबसाइट है जिसमें मैं अपने फिटनेस के शॉर्ट्स और टी शर्ट्स बेचता हूँ, ठीक है। और मैंने एक आर्टिकल लिखा कि 6-pack abs कैसे हासिल करते हैं, और मुझे इसका आर्टिकल पसंद आया, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी जगह पर कहूँगा ग्रेट आर्टिकल, आई अग्री विद योर ऑल योर पॉइंट्स, एंड बट आई थिंक यू शुड एक्सपेंड ऑन पॉइंट नंबर 3। फॉर दिस आई हैव रिटन आर्टिकल, हैव अ लुक। यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट की लिंक दे दी, www.sufidigitalsomething.com/6pack abs। अब इसके अंदर मैं उसकी तारीफ भी कर रहा हूँ, उसके पॉइंट्स पे भी कह रहा हूँ, आगे बता दूँ कि आपको सारे पॉइंट ठीक हैं, मगर आपको जो पॉइंट नंबर 3 है ना वो थोड़ा छोटा सा एक्सपेंड कर लें,
मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा उसे एक बार देख लें, और ये कहने के बाद फिर मैंने आगे अपनी लिंक दे दी है। अगर इस तरह कमेंट होगा तो उसके लिए भी फायदेमंद है, उसकी ऑडियंस के लिए भी फायदेमंद है। मगर अगर मैं इसके जगह सिर्फ अपनी वेबसाइट के लिंक दे दूं जो कि इस इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं रखती है या उससे कोई बनता ही नहीं है काम, तो वो उनके लिए भी फायदेमंद नहीं है, गूगल को भी ना पसंद आएगा, उसी कस्टमर को भी ना पसंद आएगा, तो वो या तो खुद ही डिलीट कर देगा या फिर गूगल देखेगा आप सही हरकतें करें तो आपको पेनल्टी मार देगा आपकी वेबसाइट के ऊपर। ये हो गया गूगल कमेंटिंग, ब्लॉग कमेंटिंग। ठीक है, ठीक है, चलें आगे चलते हैं। आगे फोरम डिस्कशंस, वही नेट के ऊपर कई ज़्यादा फोरम्स मौजूद हैं तमाम निशी से रेलिवेंट। ये फोरम जो हैं इनके ऊपर लोग डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस को या फिर उन कामों को कैसे बेहतर किया जा सकता है। आप उन कमेंट्स कम्युनिटी के अंदर जाएं, उनके सवालात के जवाब दें, उनके मसलों को हल करें, एडवाइस करें, सजेशन दें, क्योंकि गूगल को डिस्कशन पसंद है। जब आप अपने टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उनकी मदद करेंगे, तो आपकी अपने आप अथॉरिटी भी क्रिएट होगी और मुमकिन तौर पर आपको वहाँ से अथॉरिटी के साथ साथ बंदे भी मिलेंगे। पहली बात ये होगी। दूसरी बात, जब आप फॉर्म पे जाके अपने अकाउंट बनाते हैं तो उसके अंदर एंकर लिंक लगाने की इजाज़त मिलती है। एंकर लिंक अगर डू फॉलो है तो बहुत अच्छी बात है, डू फॉलो है, नो फॉलो है तो नो फॉलो से भी आपको थोड़ा थोड़ा फायदा मिलता ही जाता है। अब इसकी भी एक मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। अब ये एक फॉरम है SEO से रिलेटेड, वहाँ पे उन्होंने पूछा कि हम अपनी ऑर्गेनिक ट्रैफिक कैसे बेहतर कर सकते हैं। ये मिस्टर सुष्मित ने पूछा था। अब देखें, सुष्मित साहब ने तीन लिंकें लगाई हुई अपनी, ये उसकी तीन एंकर लिंक्स होगी, इससे उसे नो, हालांकि लिंक्स नो फॉलो हैं, बट थोड़ा सा फायदा इधर से भी मिल रहा होगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये, उसका जो जवाब दिया आगे इस स्टाफ मेंबर ने, इसे देखें आप। इसमें उसने अपने प्रोडक्ट की एक लिंक लगाई हुई है, ये वाली लिंक डू फॉलो हो गई। नीचे उसने अपनी सोशल की लिंक्स लगाई हैं, सोशल मेंशन भी हो गए। तीसरा, उसने अपनी रीडायरेक्शन लिंक भी लगाई हुई है जो कि उसकी एंकर नो फॉलो लिंक होगी। तीन फायदे ये हो गए। आगे उसने उसकी मदद भी की हुई है कि अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो ये करें, उससे ये फायदा होगा, आगे ये काम बनेगा। यहाँ तक कोई मसला? नो सर, नहीं, बिल्कुल ठीक है। चलें आगे चलते हैं। गेस्ट ब्लॉगिंग, ये आपके लिए अब आगे सबसे ज्यादा जो आप लोगों ने जिस चीज पर काम करना है वो ये होगा, मुझे जो लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो रिजल्ट है वो अपेरेंट होता है, फोन दिख जाता है, और सबसे ज्यादा कन्वर्जन यहीं से बैकलिंक, डू फॉलो बैकलिंक की यहीं से मुझे मिलती है। डू फॉलो बैकलिंक के लिए इससे बेहतर कोई और चांस नहीं मुझे दिखता कि जो इससे ज़्यादा अच्छी और जल्दी आपको लिंक्स ला के दें। अब इसमें होता यूँ है कि कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो एक कंटेंट लोगों से बनवाती हैं। अब उन वेबसाइट्स का काम यह है कि वो कहते हैं कि आओ हमारे पास कंटेंट लिख के दो, अगर कंटेंट अच्छा हुआ तो हम पब्लिश कर देंगे। अब उन वेबसाइट्स को ढूंढना कैसे है, उसके लिए मैंने चार लिखे हैं। इसके अलावा और भी कई तरीके जिनसे आप ढूंढ सकते हैं, मैंने चार मेजर तरीके लिख दिए हैं यहाँ पे। अब मिसाल के तौर पर मैंने लिखना है SEO से रिलेटेड, तो मैं लिखूंगा कि मेरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग। आपने अपना कीवर्ड लिख दिया, फिर अब आगे लिखेंगे गेस्ट पोस्ट सबमिशन। अब जितने भी वेबसाइट हैं जो कि एक्सेप्ट कर रही हैं गेस्ट पोस्ट डिजिटल मार्केटिंग के लिहाज से, वो सही आपको यहाँ पे यहाँ तो लिस्ट के लिहाज से मिल जाएंगी, यहाँ पे वो किसी और तरीके से मिल जाएंगी जहाँ पे आप पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पे वो भी आपको जितने भी काम आपने गेस्ट पोस्टिंग के लिहाज से करने हैं ना, वो तकरीबन आपको इंस्टा के कामों से मिल जाएंगे। अब आपने उन लोगों को ढूंढने के बाद उनके पैरामीटर्स के अंदर लगाना होता है। पहला पैरामीटर होता है कि उनकी DA क्या है, उनका PA क्या है, उनका स्पैम क्या है और वो कैसे काम कर रहे हैं। दूसरा पैरामीटर, उनका कॉन्टैक्ट क्या है, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। तीसरा पैरामीटर, क्या वो आपसे पैसे लेंगे या सिर्फ आर्टिकल लेंगे। ये तीनों पेमेंट्स को देखते हुए फिर आपने उनसे आगे डील करनी होती है। मैं आपको जो असाइनमेंट का टास्क नंबर 2 होगा वो ये होगा, मैं आपको एक शीट बना के दूंगा, उसके अंदर आप लोगों ने मुझे 10-10 एंट्रीज ला के देनी है यूनिक, जिन जो कि गेस्ट पोस्टिंग के लिए यूज़ हो सकती हैं। मैं आपको एक एंट्री भी करके दिखा देता हूँ कैसे करनी है। अब मिसाल के तौर पर मैंने SEO के लिए ऐसे गेस्ट पोस्ट करनी है, राइट। मैंने एक वेबसाइट देखी, ये इस वेबसाइट का PA है 28, DA है 37, स्पैम है 1। मैंने ये पहला पैरामीटर क्लियर कर दिया, वेबसाइट अच्छी है, इसका स्पैम कोई नहीं है, इसका DA भी अच्छा है, इसका PA भी अच्छा है,
पहला पैरामीटर क्लियर हो गया, दूसरा पैरामीटर क्या है इससे हम डाटा कर सकते हैं, जी इन्होंने कॉन्टेक्ट फॉर्म दिया हुआ है, दूसरा पैरामीटर भी क्लियर हो गया। तीसरा पैरामीटर क्या ये पैसे मांग रहे हैं, पैसे मांग सकते हैं, मांग रहे हैं, इनकी कोई क्वालिटी की है, उन्होंने आगे लिख दिया हाँ जी ये पैसे नहीं मांग रहे हैं, इन्होंने आगे सारी चीज़ें डिटेल में लिख दी हैं कि इतने वर्ड्स का हो, क्रेडिट इंडिविजुअल को जाएगा, ऑथर बायो वैसी होगी, बैकलिंक्स आपको मिलेंगी, एक बैकलिंक मिलेगी, कॉपीराइट होगा या नहीं होगा, और अगर है तो आपने क्या करना है, आपने गेस्ट पोस्ट बना के यहाँ पे पब्लिश कर देनी है। ठीक है, अब आपने इसके लिखना कैसे है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे आपने वेबसाइट के नीचे वेबसाइट लिख देनी है, डी की जगह डीए लिख दिया आपने उसका, पी की जगह 28, स्पैम उसका एक है, और कॉन्टेक्ट जो है उसका ये है, ये आपकी एक एंट्री हो गई है। यहाँ तक कोई मसला नहीं पूछ रहे हैं। अब इस तरह आप यहाँ इस तरह आप डेटा बनाएंगे ऐसी वेबसाइट का जहाँ जिनके साथ आप गेस्ट पोस्ट कर सकते हैं, गेस्ट पोस्टिंग का। जी जी पूछें, ये हम क्यों डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, बाद में हम क्या यूज करेंगे इसे? जी बिल्कुल अच्छा सवाल है। अब फिर जब आप डेटा पहले बनाएंगे, डेटा बनाने के बाद फिर आप इन लोगों को रीच आउट करेंगे, टेम्पलेट्स क्रिएट करेंगे, टेम्पलेट की भी बात कर ही लेते हैं। आप टेम्पलेट्स क्रिएट करेंगे, टेम्पलेट्स क्रिएट करने के बाद आप इनसे रब्ता करेंगे, रब्ता करने के बाद आप इन्हें कहेंगे भाईजान मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, ये मैंने एक गेस्ट आर्टिकल लिखा है, गेस्ट आर्टिकल आप पब्लिश करते हैं भाई मेहरबानी होगी। जब गेस्ट आर्टिकल देंगे से अच्छा क्वालिटी का वो पब्लिश करेगा, उस पब्लिश गेस्ट आर्टिकल्स में से आपको एक बैकलिंग या दो बैकलिंग या तीन बैकलिंग्स मिलेंगी, और बैकलिंग्स जो हैं आपके ऑफ पेज में आपको मदद करेंगी। क्या आपको समझ में आएगी बात, या मैं फिर बता दूं? सर दोबारा बताएं जरा, ये दोबारा बता दें। जी मैं बताता हूँ, पहले तो थोड़ा पीछे से आते हैं। ऑफ पेज के अंदर आप अपनी वेबसाइट के बारे में अच्छी अच्छी बातें कहलवाते हैं दूसरे लोगों से, इस बात की तो समझ है ना? ठीक हो गया, ठीक है। बिलाल भाई आपकी एक वेबसाइट है जिस पे आप SEO के आर्टिकल लिखते हैं, मैं कहता हूँ भाईजान आपको मैं आर्टिकल दूंगा, आप बस पब्लिश कर लें, तो उस आर्टिकल में से एक लिंक देते हैं। अब इससे आपको ये फायदा होगा, आपको एक बना बनाया प्यारा सा आर्टिकल मिल जाएगा क्वालिटी का, मुझे ये फायदा होगा कि आपकी वेबसाइट से मुझे एक लिंक मिल जाएगी, आपको भी फायदा होगा, मुझे भी फायदा होगा, दोनों के लिए इंसेंटिव क्रिएट होगी। ठीक है, यहाँ से बात क्लियर है ना? जी क्लियर। चलिए अब उससे ये होगा, जब आपने ये काम कर लिया फिर आपसे रीच आउट करेंगे, रीच आउट करने के बाद आपने उसे मना लिया किसी डील का हो गया नेगोशिएशन के बाद, फिर उसने आपको बैकलिंक दे दिया, बैकलिंक के बाद आपने फिर उसे खैर बाद नहीं कहना, खैर बाद उसके थोड़े से के बाद किसी और जगह के लिए बैकलिंक ले लें, उसे एक्टिव रखें, वो अब आपके लिए एक अच्छा बंदा बन चुका है। गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए जब आप एक बार उससे कॉन्टेक्ट कर लेंगे तो आज के कस्टमर के लिए अगर फायदेमंदी है तो मुमकिन तौर पर 3 दिनों बाद फिर अगर कोई और इस तरह कस्टमर आ जाएगा जो कि किसी और वेबसाइट के लिए आपके लिए फायदेमंद होगा। तो इसलिए जितने भी लोग आपके साथ रबते में आते हैं उन्हें आप अपने साथ रबते में रखें, अच्छे कॉन्टेक्ट में रखें, कभी भी किसी के साथ तमाम बेजिस बंद ना करें, रबते में रखने के बाद उन्हें कन्वर्जन करें, कन्वर्जन के बाद फिर उन्हें बाद में दोबारा याद दिलाते हैं कि आपका मैं अच्छा दोस्त हूँ और आपके साथ मैं फिर दोबारा काम करना चाहूँगा। ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक है। चलें अब उन्हें रीच आउट कैसे करना है, पिच जो है ना, पिच के अंदर मोस्टली 4 चीज़ें होती हैं, हम वो चीज़ें देख लेते हैं। पिच के अंदर पहली चीज़ होती है ग्रीटिंग्स, मिसाल के तौर पे हाय बिलाल, हाय जेम्स, हाय एंड्रयू, जो भी उसका नाम है, आपने उसका नाम लिखा या आपने उसे ग्रीटिंग दी कि कैसे हाल चाल हैं, तबीयत ठीक ठाक है, बाल बच्चे खैरियत से हैं आपके, उसके बाद फिर आपने अपनी जो ब्रांड जिसके लिए आप बैकलिंग लेना चाहते हैं उसके बारे में इंट्रोडक्शन दोगे, इस तरह कि मैं कहूँगा कि भाई मैं एक सोफी डिजिटल नाम की कंपनी है जिसे मैंने अभी अभी लॉन्च किया है, मैं उसके लिए बैकलिंग क्रिएट कर रहा हूँ और मैं उसकी मदद से लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया। फिर आप पिच करेंगे कि आपसे क्या दे सकते हैं, वो आपको उसके बदले में क्या देगा।
अब मैं आपसे मिसाल के तौर पर गेस्ट आर्टिकल करवा रहा हूँ, गेस्ट आर्टिकल में मैं सोचूंगा कि मैं आपको एक क्वालिटी का गेस्ट आर्टिकल दूंगा जो कि आपकी तमाम रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा उतरता होगा। उस आर्टिकल से आपकी ऑडियंस को फायदा होगा, वो मैं आपको उसके साथ इन्फोग्राफिक फोटोज भी दे दूंगा ताकि आप अच्छी तरीके से उसे पब्लिश करें तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बेहतर हो। और मुझे उसके बदले में बस ये चाहिए कि वेबसाइट के ऊपर से मुझे दो अदर लिंक्स दे दीजिएगा। अब उसे भी इंसेंटिव मिल गया, आपको भी इंसेंटिव मिल गया। आखिर में उसे बस सलाम खैर बात कह के बात करूँ कहते हैं। एक और मैं बता दूँ कि आप 10 ईमेल पिच करेंगे, 10 में से 2 लोगों का रिप्लाई, 5 लोगों का रिप्लाई आएगा, उन 5 में से 2 लोग मानेंगे और 2 में से 1 आपको फोन लिंक दे देगा और 1 आपको हफ्ता तंग करने के बाद लिंक देगा। इसलिए आप लोगों ने डिसहार्ट नहीं होना, कोशिश करते जाएं और जितना ज्यादा कोशिश करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों से रब्ता कर सकेंगे। ठीक है, चलें। अब ये जो पिच मैंने आपको इधर दिखाई है ना, अब एक क्वालिटी पिच मैंने आपको बताया गेस्ट पोस्टिंग के लिए। अगर मिसाल के तौर पर गेस्ट पोस्टिंग नहीं करनी है आपने, आपने कोई प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू लेना है या सर्विस देनी है, तो तकरीबन ये सेम ही रहता है। ऊपर ग्रीटिंग ही होगी, फिर आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे, फिर जो भी आपने काम करवाना है ना उससे, वो आप उसे पिच कर देंगे। अगर आपने उसे रिव्यू लेना है तो आप उसे कहेंगे भैया मैं आपको एक मुफ्त का बैग दे रहा हूँ, आप काइंडली इस बैग को रिव्यू कर दें, या मैं आपको मुफ्त के शूज़ दे रहा हूँ, आप इन शूज़ को रिव्यू कर दें, रिव्यू हो गया। अगर आपने उससे करवाना है अपनी प्रमोशन करवानी है तो आप उसे कहेंगे मैं आपको इतने पैसे भेज रहा हूँ, आप मुझे उसके बदले में प्रमोशन कर दें, या फिर आपसे निगोशिएट करेंगे कि भैया मैं आपसे प्रमोशन करवाना चाहता हूँ, काइंडली अपना बजट बता दें। वो आपको बजट बताएगा सैकड़ों रुपये का, हंड्रेड रुपीज़ का, मगर हम पाकिस्तानी, हमने इतने पैसे नहीं लगाने हैं। आपने उसे कहना है कि भैया ये आपका बजट बहुत ज़्यादा है, निगोशिएट करें, जितना कम हो सकता है उसे कहें या आपने काफ़ी हेल्प की थोड़ा सा और कम कर दें, काफ़ी हेल्प कर दिए थोड़ा सा और कम कर दें, जहाँ तक आपको लगता है कि बस डील अभी टूटने वाली है वहाँ तक ले आएँ, फिर वहाँ पर लाके कन्वर्ट कर लें, क्योंकि इनके पास काफ़ी ज़्यादा मार्जिन होता है छोड़ने का। वो छोटे ना छोटे लहदा बात है, मगर इनके पास मार्जिन काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है, पीछे सही समझ आ गई आपको? हाँ जी, ठीक है। चलिए अगला टास्क लिख लें, आप लोगों ने पिच भी क्रिएट करनी है, लिख लिया? ठीक है। निजाम भाई क्या क्या टास्क हो गए हैं मुझे बता देंगे? 2 टास्क हो गए हैं, एक तो पहले आपने दिया था वो मैंने लिखा हुआ है, मैं होलिस्टिक एसईओ का था वो। हाँ जी, होलिस्टिक एसईओ का, ठीक हो गया। दूसरा हो गया, दूसरा पिच का आपने दिया अभी, ठीक है। तीसरा टास्क में, हाँ जी, तीसरा टास्क में वो आपने जो वो एक्सेल की फाइल पे जो इकट्ठा करना है ना, जी जी जी, ये हो गया आपका तीसरा टास्क। मैं आपको एक इस तरह की बना के दे दूंगा शीट, उस शीट के अंदर आप सब लोग जो है तकरीबन 10-10 एंट्रीज देंगे, मैं आपको कीवर्ड्स भी दे दूंगा और बता भी दूंगा कैसे हंट करना है। 10-10 यूनिक एंट्रीज मुझे चाहिए आप सब लोगों से, और आप मुझे बना के दिखाएंगे और पिच के अंदर फिर हम आगे उस पिचिंग भी शुरू करेंगे। ठीक है लाल भाई, फिजान भाई, जी चलें, ग्रेट हो गया, आगे चलते हैं। आगे ब्रोकन लिंक बिल्डिंग। ब्रोकन लिंक बिल्डिंग 2 किस्म की होती है, एक होता है कि आपने पहले कभी किसी से लिंक ली थी, वो लिंक उसने वेबसाइट का कोई एसेट चेंज किया, उसने वेबसाइट माइग्रेट की है या कोई चेंजेस किए जिसकी वजह से वो लिंक टूट गई है, तो लिंक का दोबारा क्रिएट करवाते हैं, ये एक ब्रोकन लिंक बिल्डिंग की एक टेक्निक है। दूसरी टेक्निक ये होती है अगर कॉम्पिटिशन ने कोई आर्टिकल बनवा के पब्लिश करवाया था और लिंक ली थी उसकी, वो उस लिंक के ऊपर से अब आपने भी उसी तरह का आर्टिकल बनाया। मिसाल के तौर पर फैजान भाई मेरे कॉम्पिटिटर हैं बिलाल भाई, और उन्होंने भी 6 पैक ऐप्स के ऊपर एक आर्टिकल लिखा था, मैंने भी 6 पैक ऐप के ऊपर आर्टिकल लिखा है। अब मैं जाऊँगा जे जे फिटनेस के पास और जे जे फिटनेस ने फैजान भाई का आर्टिकल लगाया हुआ था, मैं कहूँगा यार आपने आर्टिकल जो लगाया है ना वो लिंक टूट गई है, आप इस तरह को वो लिंक हटा दो, आपके कस्टमर के लिए वो बहुत नुकसानदेह है, उसकी जगह मेरी लिंक लगा दो। यहाँ तक बात समझ आ रही है आपको? हाँ जी, ठीक है। ये क्या आ गया, अब दिखाई दे रहा है? जी दिखाई दे रहा है। चलिए ग्रेट हो गया। 2 टेक्निक्स बताइए ब्रोकन लिंक बिल्डिंग में, एक होगी कि आपने अपनी जो टूटी हुई टेक्निक लिंक है उसे दोबारा क्रिएट करवा लिया, दूसरा ये आपने कंपटीशन की लिंक्स देखी कि कंपटीशन ने कहाँ कहाँ पे लिंक्स लगवाई हुई है अपनी, और जब उनमें से कोई लिंक टूटे तो फोन उससे पहले कॉम्पिटिशन को चले आपने उसके पास फोन जाना है, उसे कहना भैया फलां आपकी लिंक है वो टूटी हुई है, आपके यूजर जो है वहाँ से कहीं नहीं जा पा रहे हैं, तो आप इस तरह अपने 404 एरर ठीक करें और वहाँ पे ये वाली लिंक लगा दें, ये रेलिवेंट भी है और भाई मजे की बनाई हुई है।
तो मुफ्ती आपको वहां से लिंक मिल जाएगी, उस बंदे का ये फायदा होगा कि उसका 404 का एरर खत्म हो जाएगा और उसे एक अच्छा कंटेंट भी मिल जाएगा अपने ऑडियंस के लिए। सोशल सोशल स्ट्रेटेजी जो है वो उसके मुताबिक अभी फेसबुक जो है वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं डोमिनेट कर रहा है सोशल मीडिया को। अबाउट आपकी 57 ट्रैफिक जो है ना वो फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर है, उसके बाद फिर आपकी ट्रैफिक आती है ट्विटर के ऊपर 18%, फिर दूसरी चीज आती है। ये मतलब बहुत पुराना डिटेल्स हैं, अब इस तरह नहीं है। अब आपकी मेजोरिटी ऑफ ट्रैफिक जो है वो फेसबुक इंस्टाग्राम और स्नैपचैट के ऊपर बांटती गई है, फिर चौथे नंबर पर ट्विटर आता है, फिर लिंक्डइन और ये दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आते हैं। मगर इससे पहले कि हम ये देखें कि कौन सा प्लेटफॉर्म है, आपको इस बात को जान लेना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन से प्लेटफॉर्म पे है। अब मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, अगर आपकी ये जो ट्रैफिक आप काम कर रहे हैं HR फर्म के अंदर, तो आपकी ऑडियंस लिंक्डइन के ऊपर होगी। अगर आप काम कर रहे हैं एक ब्यूटी पेजेंट के अंदर या एक ऐसी चीज जो कि विजुअल है या खूबसूरत दिखने के लिए है, खूबसूरत दिखाने के लिए है, तो आपकी मेजर ऑडियंस जो है वो इंस्टाग्राम पे होगी। इसलिए आपने पहले अपनी ऑडियंस को जाना है आपकी मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस कहाँ पे है, फिर वहाँ पे आपने अपने आप को टारगेट ज्यादा करना है। उस ऑडियंस को कन्वर्ट करने में आपको आसानी होगी बनस्पत कि आप ऐसी ऑडियंस के पास जाएं जहाँ पे कन्वर्जन कम है। अब स्नैपचैट की ऑडियंस काफी यंग है, वहाँ की ऑडियंस है अबाउट 18-25 की एज के अंदर। इंस्टाग्राम की जो है ऑडियंस तो एक मैच्योर है, वो है 20-35 की एज में, और फेसबुक की ऑडियंस बहुत मैच्योर है, वो मनी बहुत वेरी करती है, वो 18 से शुरू के 60 में जाती है। तो इसलिए आपने देखना है आपकी ऑडियंस कौन सी है, आपने किस सही ऑडियंस को टारगेट करना है, फिर आप वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए वहाँ पे टारगेट करेंगे। फैजान भाई बिलाल भाई दोनों के पास में आ गई वाली बात, ठीक है। मौसम भाई यहाँ पे एक बात थी कि जो ऑडियंस आप कह रहे हैं, तो जिस तरह मैं वो मेल जिम वो वहां पे भी देखा था, ऑडियंस का वो था एक का जी 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 जी, तो ये ऑडियंस का मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा, ये होती क्या है वैसे ऑडियंस जो है जी। अच्छा सवाल है बिलाल भाई, आप लाइन पे हैं जी? चलो बस ठीक है, मेरे लगा कॉल कर लिया, चलें आगे चलते हैं। ऑडियंस का सीन ये है यार, ऑडियंस वो तमाम पोटेंशियल कस्टमर्स हैं या वो तमाम लोग हैं जो पोटेंशियल कस्टमर्स बन सकते हैं। अब मैं आपको इसे एग्जांपल देकर बताता हूं, मतलब इसके कॉन्टेक्ट जो है वो हमारे पास होंगे। मेल चिम में आपको ईमेल लिस्ट क्रिएट करनी पड़ती है, आप ईमेल लिस्ट क्रिएट करते हैं बाय कॉन्टेक्ट फॉर्म्स या अदर सोर्सेस, और जब वो सोर्सेस से ईमेल लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं फिर अपने सेगमेंट्स में बांट लेते हैं ऑडियंस सेगमेंटेशन के लिए। अब मिसाल के तौर पर आपने एक फॉर्म बनाया था कि अगर आप अपने बच्चों को मुफ्त में तालीम हासिल दिलवाना चाहते हैं तो आप ये वाले फॉर्म में अपना ईमेल डाल दें, या अगर आप मुफ्त में कपड़े खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डाल दें। अब जो आपने ईमेल फॉर्म बनाया था बच्चों की तालीम के लिए, वहाँ पे जो आपको ऑडियंस मिलेगी वो पेरेंट्स की मिलेगी जो कि अपने बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना चाहते हैं, उनकी एज होगी 35-45 के रेंज के अंदर, ठीक है। और जो आपने कपड़ों के लिए फीमेल कपड़ों के लिए बनाया हुआ, वहाँ पे आपकी ऑडियंस आएगी सिर्फ फीमेल्स की या मेजोरिटी फीमेल्स की आएगी जिनकी रेंज वेरी करेगी 18 से लेकर 40 तक, ठीक है। तो इसे आप ऑडियंस सेगमेंटेशन कहते हैं। आपने अपनी ऑडियंस सोची, आपने उस ऑडियंस के लिए फॉर्म बनाया या कोई इस तरह की चीज बनाई जो उन्हें कन्वर्ट करे और उससे आपने उनका डेटा क्रिएट कर दिया। बात समझ में आ गई बिलाल भाई आपको भी? जी हाँ जी। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है सोशल बुक मार्किंग का। अब ये जो सोशल बुक मार्किंग है ये आज से तकरीबन 6 साल पहले अच्छी मानी जाती थी, फिर 2 साल पहले इसे बहुत बुरा मानने लग गए, अभी ये जो है मे बी के सेक्शन में आ गया, ना इसे अच्छा मानते हैं ना इसे बुरा मानते हैं। करना चाहें तो थोड़ी तादाद में कर ले नुकसान नहीं है, मगर मेजोरिटी करना बेहतर नहीं मैं समझता, इसलिए मैं इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, मैं बस बता देना ही होता क्या है। स्टम्बल अपॉन डिलीशियस डिग रेडिट और पिंटरेस्ट तरह की वेबसाइट जो है वो आपकी वेबसाइट का एक स्निपेट बना लेती हैं बुक मार्क के तौर पर और आप उसे फिर आगे शेयर करते हैं। इस स्निपेट की मदद से ट्रैफिक भी आपके पास क्रिएट होती है और जो ट्रैफिक है वो फिर बाद में शायद उनमें से एक आधा कन्वर्जन भी हो जाए। यहाँ तक बात क्लियर है? दोबारा कोई मसला है, मैं दोबारा बता देता हूँ। सोशल बुक मार्किंग जो है ये एक टेक्निक थी जो कि अबाउट 10 ईयर्स अगो या 10 ईयर मैंने बता दिया अबाउट 8 ईयर्स अगो बहुत ज़्यादा फेमस थी। इसके अंदर होता यूँ था
कि आपकी वेबसाइट का एक स्निपेट ले लिया जाता था, स्निपेट मैंने कि उसे एक छोटा सा पैराग्राफ ले लें या उसका मेजोरिटी ऑफ कीवर्ड्स या मेजोरिटी उसकी जो एसेंस है वो ले ली जाती थी। वो फिर रेडिट, डिलीशियस, डेक, स्टम्बल पॉन्ट, पिंटरेस्ट ऐसी वेबसाइट जो कि W2B मार्केटिंग में आती हैं उसमें लगा दी जाती थी। अब वहाँ पे वो स्निपेट जो है वहाँ से आपको ट्रैफिक फोन जनरेट होने लग जाती थी, क्योंकि जब वहाँ पे लोग सर्च करते थे सिक्स पैक एस पे तो वो आपकी स्निपेट उन्हें या आपकी इन्फोग्राफिक या आपकी कोई डिटेल उन्हें मिल जाती थी, वो उस पर क्लिक करते थे, वहाँ से फिर आपकी वेबसाइट पे टारगेट होके आ जाते थे। यहाँ तक बात क्लियर है जी? ठीक चलें। अब मैं ये बता रहा हूँ कि इसको मेजोरिटी ऑफ SEOs जो है समझते हैं ये दोबारा काम में आने लग गई है। हाँ जी, ये मगर मैं इसे बेहतर नहीं समझूंगा कि आप इसे ज्यादा करें, आप इसे एक हद तक करें, अबाउट 50-50 के रेशो में एक हद तक करें ठीक है, अगर बहुत ज्यादा करेंगे तो स्पैम ही लगेगा और मैं इसे प्रीफर नहीं करूंगा। एक हद तक करें तनासब के साथ तब्दीली लाएं और फिर ठीक रहेगा ये। ठीक है, ठीक। आगे कंटेंट मार्केटिंग, ये मार्केटिंग की सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा कन्वर्जन वाली फॉर्म है। इसके अंदर आप इस तरह कंटेंट लिखते हैं, इस तरह कंटेंट बनाते हैं जो कि आपकी ऑडियंस के लिए फायदेमंद है और वो उन्हें बाद में कन्वर्ट भी करके लाएगा आपके पास। अब मैं एक कंटेंट की मिसाल दे देता हूँ। अब मिसाल के तौर पे बिलाल भाई, आपकी एक वेबसाइट है जहाँ पे आप लोगों को मशीनें या प्रोटीन फूड बेचते हैं जो कि उन्हें पतला होने में मदद देती है, ठीक है। अब आप एक आर्टिकल लिखते हैं कि आप सिक्स पैक ऐप कैसे हासिल कर सकते हैं, और उस आर्टिकल के अंदर आप फिर किसी जगह पे ये भी लिख देते हैं कि आपको खुराक भी अच्छी करने पर एक खुराक के अंदर प्रोटीन डालना पड़ेगा, प्रोटीन के लिए आप हमारे ये वाला प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं और ये सब्जियां भी यूज़ कर सकते हैं और ये एक्सरसाइज करें, पुशअप्स करें, सिटअप्स करें एंड ऑल दैट। तो ये जो आपने 1500 लफ्ज़ों का आर्टिकल लिखा है इसमें हमें थोड़ा सा अपने भी बारे में बताया कि ये इतना करिए अपना भी काम कर लें, ये कंटेंट मार्केटिंग है। आपने अपनी यूजर के लिए कंटेंट बनाया, ऐसा कंटेंट जो कि उनके लिए फायदेमंद है और आप उस कंटेंट से अपने प्रोडक्ट की भी मशहूरी कर रहे हैं। 2011 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था, गूगल ने ओगिली भी एक है नेदरलैंड की कंपनी रिसर्च मार्केटिंग उनके साथ बनाया था, वो बहुत प्यारी ऐड थी, ये उसकी लिंक मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। इसके अंदर होता यूँ है कि दो दोस्त होते हैं जो कि जब ये 1947 में पार्टीशन हुई थी तो वो अलग अलग हो जाती हैं। एक दोस्त जो है वो अपनी ग्रैंड डॉटर को बता रहा था कि मेरा एक दोस्त था यूसुफ नाम का, उसने फिर बहुत अच्छा मेरा दोस्त था, फिर मुझे उसकी बड़ी याद आती है और हम फलां जगह पे रहते थे, तो उसकी जो ग्रैंड डॉटर होती है वो गूगल पे सर्च करती है कि फलां जगह पे कोई इस तरह की है शॉप, तो फिर वहां से वो उसके हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आगे लिंक भी देखी हुई है ना, ये पहली कंटेंट मार्केटिंग की एड थी एशिया के अंदर, पाकिस्तान इंडिया के अंदर, इससे पहले कंटेंट मार्केटिंग 2011 से पहले नहीं आई थी। और ये एड जो है ज़्यादा पावरफुल है बनस्बत की हमारी आजकल की जो एड्स हम बना रहे हैं, ऐसी तमाम एड्स जो कि आपकी यूज़र को फ़ायदा नहीं पहुंचाती है ना वो आज याद रहेंगे, 3 दिन तक याद रहेंगे, मगर इस तरह की एड्स जो कि आपकी यूज़र को फ़ायदा पहुँचाती हैं वो बार बार लोगों को याद आएंगी और वो बार बार आप उनके काम आएंगे। इस तरह का कंटेंट बनाएं जो कि आप यूज़र के लिए फ़ायदेमंद हो, ऐसा कंटेंट जो कि उन्हें क्लियरली डिफाइंड हो, रेलिवेंट हो, उन्हें वैल्यू दे, ऐसा कंटेंट जो कि उनके ऊपर फोकस हो, जो उनमें फ़ायदा दे, ऐसा कंटेंट आपको ज़्यादा कन्वर्जन देगा, ज़्यादा सेल देगा और आपके एम्बेसडर भी ज़्यादा क्रिएट करेगा। क्लियर है आप दोनों के लिए बात? ठीक है, हाँ जी ठीक है। चलें, अभी हमारा लेक्चर ख़त्म होने वाला है, अब कुछ पॉइंट्स रह गए हैं मैं आपको दिखाई देता हूँ। अगला पॉइंट है क्वेश्चन आंसर का। अब कई ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर लोग सवाल जो आप पूछते हैं, जैसे स्टैक ओवरफ्लो, कोरा, याहू आंसर और भी कई ऑप्शन हैं, अब उनके ऊपर लोग आपने अब क्या करना है, अपनी नीश के अंदर जाना है, रिलेटेड क्वेश्चन ढूंढने हैं, उन्हें फिर इस तरह का आंसर करना है कि उस बंदे के लिए भी फायदेमंद हो, अगर कोई तीसरा बंदा उसे रीड करे तो उसके लिए भी फायदा हो। अब वही जो कंटेंट मार्केटिंग की मैंने बात की थी वही वाली गाइड यहाँ पे भी लगती है कि इस तरह का आंसर लिखें कि उनके लिए भी फायदेमंद। जी जी पूछें। क्वेश्चन आंसर वेबसाइट्स हैं नेट के ऊपर जहाँ पे लोग सवाल पूछते हैं, फिर आप लोग उनके जवाब देते हैं। इस तरह की वेबसाइट्स के ऊपर से आप ट्रैफिक भी जनरेट कर सकते हैं, अपना एम्बेसडर भी क्रिएट करवा सकते हैं और लिंक भी हासिल कर सकते हैं। अब करना ये है, अपनी वेबसाइट की नीश के रिलेटेड आप वेबसाइट के ऊपर सवाल ढूंढें, उन सवालों के जवाब दें, उन जवाबों को कंटेंट मार्केटिंग गाइडलाइन के ऊपर दें, ऐसा जवाब जो कि उनके लिए भी फायदेमंद हो
और बाद में आपको भी फायदा दे, आपका प्रोडक्ट भी दिखाई दे। अब मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल देता हूँ। अब ये एक है बंदा जिसका नाम है गैब्रियल वाइनबर्ग, इसकी कंपनी है डक डक को। अब इसके अंदर उसने गूगल की दोस्ती की हुई है और मेनली इसने ये बताया हुआ है गूगल ये काम करता है, ये काम करता है, और फिर बाद में उसने अपनी लिंक भी लगाई हुई है कि आप हमारी वेबसाइट से आगे सर्च करो, हम ना आपका डेटा चोरी करेंगे, ना हम आपका डेटा किसी को आगे देंगे, हमारा सर्च इंजन भी सच्चा है, हम आपको झूठ भी नहीं बोलते। अब इस तरह के जो आंसर हैं, अब वो उसे आप अपने कस्टमर को फ़ायदा भी पहुँचा रहे हैं, आप प्रोपोगेंडा भी कर रहे हैं, दूसरे जो आप कॉम्पिटिटर है उसे भी गंदा दिखा रहे हैं, वो अपने आप को भी बेहतर करके बता रहे हैं। तो इससे आप कंटेंट मार्केटिंग भी कर रहे हैं, प्रोपोगेंडा भी कर रहे हैं, अपने आप को भी बेहतर कर रहे हैं, और कस्टमर भी क्रिएट करवा रहे हैं, ब्रांड एम्बेसडर भी क्रिएट करवा रहे हैं। बिलाल भाई बात समझ आ गई वाली आपको? जी जी ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे न्यूज़ लेटर, जिसकी बात कल फैजान भाई कर रहे थे। न्यूज़ लेटर जो है ना, एक इंतहाई सस्ता हो मज़ेदार तरीके अपनी ऑडियंस से रबते में रहने के लिए। इससे आप यूँ कहते हैं कि आप एक न्यूज़ लेटर प्लान कहते हैं अपने रिसेंटली पब्लिश आर्टिकल के साथ। मैंने कहा अभी मैंने आर्टिकल बनाया सिक्स पैक ऐप्स का, ठीक है, अब मैं उसे जिस दिन मैंने आर्टिकल पब्लिश करना है ना, उसी दिन मैं एक न्यूज़ लेटर भी क्रिएट करूँगा और अपनी जितने भी ऑडियंस मैंने क्रिएट की होगी ना, जितने भी मेरे पास ईमेल जमा होंगे उन मैं सबको भेज दूंगा, यार मैंने एक नया आर्टिकल बनाया आके देखो, जरा आपने अगर सिक्स पैक हासिल करना है तो इससे अच्छा आर्टिकल आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। फिर जब भी लोग उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपका आर्टिकल आके देखेंगे, तो वहाँ से आपकी एक्सटर्नल ट्रैफिक बढ़ेगी, एक्सटर्नल ट्रैफिक पर इंटरनल ट्रैफिक भी बढ़ेगी, और ओवरऑल आपकी आपको ये फ़ायदा होगा आपके पास जो कस्टमर है वो याद रखेगा कि हाँ भाई एक कंपनी है जो कि मुझे याद रख रही है। हर एक हफ्ते बाद एक न्यूज़ लेटर भेज दें, उन्हें याद दिलाते दें कि भैया आपकी एक टॉप ऑफ द माइंड कंपनी है, जब भी आपको कोई SEO से रिलेटेड काम हो तो आ जाएं। अब एक ये बंदा है नील पटेल, मुझे इसके न्यूज़ लेटर बहुत पसंद है, मैं आपको एक इसी एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये मुझे रिसेंटली इसका न्यूज़ लेटर आया था, इसके अंदर जो तीन चीज़ें मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं, एक उसने मुझे वैल्यू दी है, मुझे उसने बताया ये काम करो आपके लिए बेहतर है, दूसरा उसने अपनी लिंक भी लगा दी है, तीसरा उसने ग्रामर की कोई गलती नहीं की है। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी आपने कोई टेम्पलेट बनाना है या कोई भी ईमेल लिखनी है ये बात याद रखिए, ग्रामर की गलती कभी भी नहीं करनी है। ग्रामर की गलती ऐसे है जैसे कि अपने आपको खुद सुसाइड करना। ईमेल तो मैं आपको थोड़ा ड्रामेटिकली बता रहा हूँ, मगर ड्रामेटिकली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर अभी मैं ड्रामेटिकली नहीं बताऊँगा तो बाद में आप ये गलती करेंगे। जितना हो सके ग्रामर आपने अपनी बेहतरीन रखनी है, उसके लिए एक टूल है ग्रामरली, वो भी एक एक्सटेंशन है मैंने की हुई है ये वाली, इसे इंस्टॉल कर लें, इस पर अपना अकाउंट बना के उसे 24 घंटे एक्टिवेट रखें और जितना भी काम करना है इसके जरिए करें, ये आपकी ग्रामर में आपकी हेल्प करेगी। ये 100% एक्यूरेट नहीं है मगर 95% एक्यूरेट है, तो ये आपकी ग्रामर काफ़ी बेहतर कर देती है। इसलिए एक काम ये अपनी ग्रामर का बिल्डिंग खराब करनी, दूसरा काम अपनी न्यूज़ लेटर के अंदर आपने अपने यूज़र को वैल्यू देनी है, कोई इस तरह की बात बतानी है जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो या जो उसके लिए ऐसा कंटेंट हो जो कि आप अपनी वेबसाइट पर पब्लिश नहीं कर रहे हैं, ताकि उसे फ़ायदा हो कि वो आपकी न्यूज़ लेटर पर क्लिक करें। अगर आप ऐसा सब कुछ जो आपने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किया वही अपने न्यूज़ लेटर में दे रहे हैं तो आपके यूज़र को इस तरह फ़ायदा नहीं मिलेगा जो वेबसाइट से ऑलरेडी हासिल नहीं कर रहा, तो उसके पास कोई इंसेंटिव नहीं होगा कि आपको ई मेल न्यूज़ लेटर खोलें। तीसरा काम ये करें कि उसे आप अपनी वेबसाइट पर भेज दें और उससे उससे कहेंगे भैया ये मैंने आपको बता दिया है, मगर इसके अलावा अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे ना तो आपको ये फ़ायदा भी होगा। अभी इसके ऊपर आखिरी में बात ये बता के लेक्चर कमेंट करूँगा कि आपकी न्यूज़ लेटर के अंदर तीन चीज़ें आपने हमेशा याद रखनी है, आपका ओपन रेट, आपका क्लिक थ्रू रेट और आपका क्लिक टू ओपन रेट। ये चीज़ें जितनी बेहतर होंगी उतना आपके लिए बेहतर है। अगर आपका क्लिक थ्रू रेट कम है या फिर लोग आपको स्पैम में डाल रहे हैं या फिर कोई और वजह जिसकी वजह से आपकी ईमेल्स ओपन नहीं हो रही हैं, डायरेक्ट स्पैम में जा रही हैं, चाहे वो आपका ईमेल जो कैंपेन चलाने वाला है वो उसकी गलती है या फिर आपने जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया मेल चिप कनेक्ट या फिर कोई और कौन से कंटेक्ट वगैरह वो उसका मसला है जिसकी वजह से आपकी ईमेल स्पैम में जा रहे हैं या ओपन नहीं हो रहे हैं, आपके लिए इन द लॉन्ग रन ख़तरनाक हो सकता है। आपकी ईमेल्स फिर आगे से तमाम की तमाम स्पैम में जाने लग जाएंगी और आपको ओवरऑल फिर मसला हो सकता है। इसलिए आप इस तरह ईमेल लिखें, इस तरह टाइटल लिखें जो कि ईजिली ओपन हो सके, जिसका ओपन रेट अच्छा हो, फिर उसमें आप एक आधी इमेज अगर लगाना चाहें लगा दें वरना जो ही नहीं है, बस आप इंगेजिंग टेक्स्ट लिखें, उसमें हमें लिंक दें, ग्रामरली अच्छा कर लें, ग्रामर अच्छे ही लिख लें तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। इस तरह हमारा ऑफ पेज का काम कम्प्लीट होता है।
अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन में पूछने वाला फिर मैं लेक्चर कंप्लीट करती हूं यहां पे। नहीं नहीं ठीक है चलें। अब फिजान भाई आपको जो मैंने चार तीन चार टास्क लिखे हैं मुझे आप डीएम कर दीजिएगा, मैं फिर उसकी असाइनमेंट बना के ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है चलें। सब लोग अपना कैरियर से अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा मोहसिन भाई जी जी जिस तरह मैं कह रहा था वैसे अगर जिस तरह हमने भी ऑफ पेज पे अभी देखा है जी मतलब एसईओ के रिलेटेड देखा है तो अगर इसका इसका प्रैक्टिकल भी हम थोड़ा सा साथ कर लेते तो ये होता है कि बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल भी करेंगे हम। जी जी बिल्कुल प्रैक्टिकल भी करेंगे, याद रह जाती है वो। जी जी थ्योरी फिर याद रह जाती है, अदरवाइज जो है ना वो क्योंकि आज की है तो पिछले वाला लेक्चर थोड़ा सा ना वो मैं आपकी बात से बिल्कुल ये करता हूँ, इसलिए मैंने आपको ये असाइनमेंट्स भी इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जब आप असाइनमेंट को हाथ से करेंगे ना आपके हाथ से चीज गुजरेगी फिर आपको फायदा मंद होगा। अभी मैंने आपको याद है जो शीट वाला काम दिया है उससे आपको डेटा जनरेट करना आ जाएगा, डेटा जनरेट कैसे करना है फिर जब डेटा जनरेट कर लेंगे उसके बाद हमें आपको ई मेल टेम्पलेट का भी कहा है तो आपको ई मेल बनानी आ जाएगी, दूसरा काम हो गया। तीसरा काम फिर उन्हें रीच आउट कैसे करना है ग्रामरली के लिहाज से, ये तीसरा टास्क हो गया। फिर मैं अगले लेक्चर के अंदर आपको उन्हें रीच आउट करना भी सिखाऊंगा, उनसे आपसे रीच आउट भी करवाऊंगा, तो इस तरह इन सब चीज़ों से आपका हाल गुजारता जाएंगे आप। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक हो चलें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ फीमा अल्लाह। ओके अल्लाह हाफिज़।